आ गए लाइव आपके साथ। आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन था जिसमें मेगा धमाका भी हुआ है वो खत्म हो चुका है और अब सारी टीम्स एक नए सिरे से तैयार हैं अगले सीजन के लिए, अगले एडिशन के लिए। और रिकॉर्ड तोड़ यहां पर बिडिंग रही जहां पर आपको सबसे महंगे खिलाड़ी मिल गए आईपीएल इतिहास के आज तक के, जो हैं मिचेल स्टार्क, उन्हीं के साथी जो हैं पैट कमिंस, उनको भी मतलब मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख, पैट कमिंस 20 करोड़ 50 लाख। 40 मिनट के फासले में पहले पैट कमिंस ने रिकॉर्ड तोड़ा एंड बाय अ मार्जिन, और फिर मिचेल स्टार्क ने 40 मिनट बाद जो रिकॉर्ड तोड़ा बाय अ मार्जिन। मतलब 20 करोड़ एक बैरियर वैसे लगता था कि कोई क्रॉस करेगा क्या 20 करोड़ जब भी ऑक्शन। आई डू फील सॉरी फॉर द इंडियंस, जो इंडिया के स्टार प्लेयर्स हैं वो ये सोचेंगे और सोचना चाहिए भी कि यार इंडियन प्रीमियर लीग में जब आप बात करते हो लोग हमें देखने आते हैं, हम टीमों की जान होते हैं, और कितना 25.25 करोड़ और उनका कितना 20.50, मतलब हाईएस्ट पेड इंडियन आई थिंक 17 है ना। सो उस लिहाज से तो भाई, बट अब ये कि अब ऑक्शन के बाद अब समरी का वक्त है, रिपोर्ट कार्ड का वक्त है, किसने क्या काम किया, किसकी 11 बन रही है नहीं बन रही है, विन विन सिचुएशन किसके लिए रही, कौन थोड़ा सा हारा हुआ और मायूस सा लौट रहा होगा, इस सब पर बात करते हैं क्योंकि सभी लोग अलग अलग फ्रेंचाइजीज को भी रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे यहाँ पर। और राहुल भाई की टीम नहीं, मतलब कोलकाता जो उनकी एक पसंदीदा टीम रहती है राजस्थान के साथ साथ, वहां पर सबसे महंगे खिलाड़ी गए तो कोलकाता से की जाती है शुरुआत। राहुल भाई ओवरऑल कैसे देखते हैं आप कोलकाता के ऑक्शन को, एक एक कर आपको टीम्स भी दिखाएंगे क्या कुछ है उनके पास, अब फाइनल स्क्वाड क्या बचा है वो दिखाएंगे, क्या देखते हैं आप मिचेल स्टार्क कोलकाता खुश गया आज? क्या आपको लगता है किस वजह से, मतलब कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनकी वजह से उतने ज्यादा खुश नहीं लगेगा कि हम कुछ मिस आउट कर गए हैं, हम कुछ मिस आउट कर गए हैं। और उन्होंने डेफिनेटली मिचेल स्टार्क तो लिए, बाकी क्या लिए, मैं मानता हूँ उनके पास टीम अच्छी है, हो सकता है उनके पास जीतने वाली टीम भी हो, बट आप ये है ना, आपने प्लान ए तो चुन लिया अपना, आपने प्लान बी क्या चुना? उन्होंने प्लान, अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है, आपके कुछ प्लेयर्स जो है जिन पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वो नहीं चलते, फिर आप क्या करोगे? क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? मिचेल स्टार्क मैं मानता हूँ आपकी बोलिंग लाइनअप ठीक ठाक अच्छा खासा दिखता है, सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, मिचेल स्टार्क भी आ गए, अब मुजीब को भी शामिल कर लिया स्पिनर के तौर पर। नहीं नहीं खेलेंगे थोड़ी ना, पर जो भी है आपने बाय किया, आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि आपने मिचेल स्टार्क को तो ले लिया, लेकिन प्लान बी क्या? मैं तो सोचता हूँ कि मिचेल स्टार्क आज तो बहुत खुश है, आज तो उन्होंने बयान भी दिया है कि आई एम सरप्राइज एंड एवरीथिंग, लेकिन वो जब देखेंगे अपनी टीम को ना, इसको बोलेंगे हमारे साथी गेंदबाज कौन है, साथी गेंदबाज कौन है, तो उनको भी लगेगा भैया ये 25 करोड़ का भार मेरे पे बहुत भारी पड़ने वाला है इनका। लेकिन देखिए आपको ये नहीं भूलना होगा कि इन्होंने जो 7 मैच खेलने हैं अपने होम टीमें अपने होम के लिहाज से चलती है। हालांकि देखिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है इस आईपीएल में कि आईपीएल कहाँ होगा, जो डेट लॉक की गई है वो 22 मार्च से लेके एंड ऑफ मई तक, उसके बाद तो आपको वर्ल्ड कप खेलने जाना है। अब सवाल यह है कि उस वक्त इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, जब इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे पहले 14 में और 19 में आपने देखा था ना फेजेस कुछ बाहर हुए थे, 9 में भी, 19 में नहीं हुआ था शायद, 19 में नहीं हुआ था, 9 और 14 में। तो अब 9 और 14 की तरह क्या कुछ हिस्सा बाहर होगा, या फिर जैसे क्या होता है हमेशा आपके इलेक्शन चलते हैं अबाउट 40-45 दिन, वहाँ पे इलेक्शन में भी फेजेस होते हैं और आप यू कवर सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, अब वो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाओगे। तो ये बड़ा डेलिकेट सा है कि आपने जो आज टीम चुनी है, क्या आपने 3 हफ्ते ऑफ यूएई के हिसाब से चुने या आपने सारा का सारा इंडिया के हिसाब से चुना है? सबसे बड़ा जो फ्रेंचाइजीज को फिक्र होती है वो है होम। आप कोलकाता की ही बात कर रहे हैं ना, कोलकाता ने 7 मैच जो अपने घर पे खेलने हैं, 8 मैच, अच्छा हाँ वो उस तरह से बनता है 7 मैच, चेन्नई ने 7 मैच अपने घर पे खेलने हैं। दो टीमें ऐसी हैं जो अपने बॉलिंग को अकॉर्डिंगली चलाती हैं, फिर मुंबई अपने घर पे खेलता है, वहां पे बैटिंग विकेट होती है, तो हर विकेट का एक अलग कैरेक्टर है। आई थिंक उस लिहाज से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी क्लैरिटी इनको चाहिए होगी, हालांकि अनऑफिशियली इनके पास इस बात की जानकारी होगी कि इनका प्लान क्या है। कल जैसे रात को खबर आई कि 2 बाउंसर्स पर ओवर अलाउड है, अचानक से इट चेंजेस द डायनामिक। इसीलिए आज आप देखो ऐसा नहीं कि कल बाउंसर एक ही था
तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के पीछे लोग नहीं भागते, लेकिन आज भागने की वजह आपको और मिल गई कोच से, जो तेज फास्ट बॉलर होगा, अच्छा तेज क्या, इवन स्लो बाउंसर। सो अचानक से डायनेमिक्स बदले हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि आपको टीम देखनी होगी। आप कोलकाता की बात कर रहे थे, कोलकाता में ईडन गार्डन्स में विकेट का कैरेक्टर क्या होता है? अब तो बॉल हिलता है। आप क्या चाहोगे अगर आप कोलकाता हो तो? स्लो। क्या आप वो विकेट बनवा सकते हो? इस वर्ल्ड कप में थी, जो वर्ल्ड कप में मुकाबले हुए वहां सीम भी था, बट आपको स्पिनर्स को बड़ी असिस्टेंस थी वहां, जो हमने देखा कुछ कुछ बॉल ऐसी टर्न हो रही थी। मौसम पे डिपेंड करता है ना मनोज। हाँ। द मोमेंट आप अक्टूबर में खेल रहे हो, नवंबर में खेल रहे हो, वहां पर कोलकाता में कंपैरेटिवली थोड़ी सी मौसम थोड़ा ठंडा होता है, एंड द मोमेंट आप अप्रैल मई में आओगे वो तो एक्सट्रीम गर्मी है ना, और वो बिगिनिंग ऑफ द सीजन है जहां विकेट थोड़ी फ्रेश होती है, और आईपीएल आपका आता है एंड ऑफ द सीजन जहां पर विकेटों पर इतना वियर एंड टेयर होता है कि आप चाहो तो आपको जो होम फ्रेंचाइजी है जस्ट अगर वो चाहता है कि टर्निंग ट्रैक हो तो आप थोड़ा स्लो विकेट बना सकते हो। उस लिहाज से मुझे अभी भी लगता है कि कोलकाता इज अ गुड टीम। उनकी सोच वही लग रही है, और आज क्योंकि उन्होंने मुजीब को भी फिर पिक किया उसके बाद, वरना मुजीब आप देखते हो। हाँ, आप ये भी सोच सकते हो कि शायद नरेन के लिए या फिर वरुण के लिए अगर कुछ होता है तो सिमिलर स्टाइल में थोड़े से मुजीब भी हैं, बट अदरवाइज मुजीब के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमने देखा है बीते कुछ सालों में नहीं रहा है आईपीएल के अंदर, तो वो भी एक डिस्कशन है। बट आपको कहाँ पे लगता है कि राहुल भाई जो निराशा होगी अगर कोलकाता को है, जो आप कह रहे हैं कि कुछ कुछ निराशा होगी, किन फ्रंट्स पर? नहीं, कुछ कुछ एज इन इस जिस पर्स के जो पर्स उनके पास था, आप देखिए सबसे ज्यादा प्लेयर्स केकेआर ने रिलीज करे थे और उसके बाद आप लेकर के आए हो आज एक मिचेल स्टार्क, वही है आपके लिए दिखाने के लिए। मतलब अगर ओवरसीज बॉलर में आप बोलो गस एटकिंसन का भी एक नाम होता है कि हाँ भाई चलो ठीक है गस एटकिंसन, आप जो ऑप्शंस बचे थे द मोमेंट आपके स्टार्क, तो आप इवन इतने पैसे लेके भी आप जो तब आते हो जब ऑप्शंस आपके पास बचे हैं, मतलब जब लिमिटेड ऑप्शंस रह गए थे, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा उस वक्त जब मैं देख रहा था वो बिडिंग वॉर चल रहा था इनका और गुजरात टाइटंस का, गुजरात केकेआर को जैसी बिडिंग सडनली खत्म होती है ना, तो ऐसा लगा कि वो थोड़े से ना कंफ्यूज से लगे मुझे। अब हो सकता है मेरा आकलन गलत हो कि ये मेरी सोच हो, बट मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े से ना कंफ्यूज दिखे। अदरवाइज वैसे आप देखो इनकी टीम में बहुत कुछ ये नहीं है कि हमें डिस्कस करें डिबेट करें, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इनकी 11 भी बनाऊं आज, आप बेटर 11 बताओगे, बनाओ ठीक है। नहीं मैं क्या, वो जो आप करीब से जानते हो, नहीं मैं क्या करीब से जानता हूँ, वहाँ पे क्या आपके ओपनर्स डिसाइडेड है, गुरबाज ठीक है, गुरबाज स्लैश जेसन रॉय ठीक है, दोनों में से एक खेलेगा, हालांकि उसमें फिर विकेट कीपर आ जाता है। इनके साथ ओपन करने अब आपके आ जाएंगे वेंकटेश अय्यर ठीक है जी, फिर एक और अय्यर आ जाएंगे नंबर 3 पे श्रेयस ठीक है, नीतीश राणा, अब नंबर 4 आ गए आपके नीतीश राणा आ गए आपके, उसके बाद नंबर 5 पे कौन आ गया आपका? रिंकू आ गए, अंकृष में जी ऐड करवा देना यार एएन के बाद, अंग कृष रिंकू आ गए, 1 2 3 4 रसल आ गए, हाँ रसल अब आ गए, रसल 6 ठीक है, अब 7 पे आपके आ गए नरेन, इनको यहां से दिक्कत आती थी 6 नंबर 7 नंबर अचानक से इनके पास नीचे फिनिशर नहीं था। साकिब अवेलेबल है आपने एक फॉरेन प्लेयर ले लिया गुरबाज स्लैश जेसन रॉय, दोनों को एक साथ तो नहीं खिला पाओगे? नहीं, बट दिक्कत यह है कि अगर आप जेसन रॉय को खिलाते हो तो आपको केएस भरत को डालना पड़ेगा, भरत को भी खिलाना पड़ेगा। आई थिंक गुरबाज विल स्टार्ट, गुरबाज और अय्यर, गुरबाज अय्यर, और अगर इन्होंने स्पिनिंग ट्रैक्स बनवाने तो गुरबाज बेटर पिक जेसन रॉय के मुकाबले। हाँ। हो गए 6 और अब आपके पास 7 नंबर पे भी तो बैट्समैन ही डालोगे ना, इंपैक्ट प्लेयर जो आप कोई सा भी एक डाल सकते हो, जो बैट्समैन भी होगा ना, हाँ मतलब कोई बैटिंग करने ही कोई आएगा वहां पर, क्योंकि नहीं बट इनका इंपैक्ट तो वेंकटेश अय्यर से स्विच होता है ना, सुयस बॉल डालते हैं और बैटिंग लेकिन जब अब जब ये पर यहां पर एक बैट्समैन इनको एक डालना पड़ेगा ना, अगर वेंकटेश अय्यर बाहर होगा आप बताओ मेरे पास, वो तो आपने बताना है यार। देखो अब उनको उनकी कॉल है कि उनको मेरे ख्याल से रमनदीप इज नॉट अ बैड ऑप्शन, मनीष पांडे, बट मनीष पांडे आपको ऊपर तो टॉप ऑर्डर खत्म है ना, उसमें आप मनीष पांडे को श्रेयस ने 3 खेलना है, नीतीश राणा ने 4 खेलना है,
और रिंकू सिंह को 5, रसल 6, तो मनीष पांडे की जगह तो नहीं बनती। नो डिसरिस्पेक्ट टू रमनदीप सिंह, बट अगर केकेआर के पास इतना बड़ा पर्स था सबसे ज्यादा प्लेयर्स रिलीज करने के बाद, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं मुझे कि आपको इंपैक्ट प्लेयर के लिए, एक फिनिशर के रोल के लिए अगर आप रमनदीप को देख रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं वो उनकी गलती है। रमनदीप कभी जरूरत पड़ जाए बॉल भी डाल देंगे, और एक मैच उन्होंने जब आखिर में बॉल डाली, यार शाहरुख जिस मैच में डालेंगे देखना बॉल कहां कहां जाएगी। शाहरुख यार रमनदीप तो लगातार बॉल करते हैं, उन्होंने इवन एक मैच में मुंबई से डेथ में इतनी अच्छी बॉल करी, तो पहले तो था। आप रमनदीप को खिलाओगे एज अ बैट्समैन खिलाओगे, ऐसे देखो आप उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर ही खिलाओगे, इंपैक्ट की चॉइस क्या रहती है, तो बॉलिंग कराओगे या बैटिंग कराओगे। इंपैक्ट की एक चॉइस ये भी होती है कि आपका कभी कोलैप्स हुआ तो मनीष पांडे आ गए, नहीं हुआ सब कुछ सही चला तो छह उसका, तो कभी कभी नरेन को ही साथ भेज देंगे। शाहरुख का तो मुद्दा ही नहीं बनता, आप उनको इंपैक्ट पैसे ही नहीं थे आपके पास उतने जो शाहरुख को ले आप, मैं वही कह रहा हूँ चॉइसेस भी। आई एम नॉट अ शाहरुख खान फैन, मतलब ये वाले शाहरुख खान फैन नहीं हूं। 24 करोड़ खर्च कर दो, 25 करोड़ ऑलमोस्ट, तो फिर आप कहां से लोगे किसी को? जैसे केकेआर ने 25 करोड़ में 24 करोड़ पे 70 लाख में खरीदा स्टॉक को, आधा घंटा एक घंटा तो आप सोचते ही रह जाते हो कि यार बजट क्या है हमारा, किसको कैसे ले। ठीक है मैं मान गया आप 24.5-25 में आप ले गए उनको, बट मैं ये बोल रहा हूँ अभी आपके पास आपको ढूंढना पड़ा, ये रसल कौन से रसल आएंगे, पिछले सीजन वाले रसल आ गए कोई से भी वो खेलेंगे पता ना? कोई से भी वो खेलेंगे, अगर आप करंट पे बात करो तो वो इंटरनेशनल लेवल खेल भी रहे हैं अपना, उसमें बॉल भी डाल रहे हैं और बल्लेबाजी भी नीचे कर रहे हैं, 4 महीने बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं अभी, उस टाइम का बता करंट का मैं मान गया, मैं ही नहीं बोल रहा, वो तो उस दौरान उनको आईएलटी खेलना होगा, ऐसे लीग खेलना होगा, हल्का सा खिंच गया ग्रोइन, तो इसीलिए उन्होंने शायद शरफेन रदरफोर्ड को ऐड किया है। अब ये रसल, अब वो रसल, रसल है भी नहीं, ये वो रसल नहीं दिखते हैं। टू बी ऑनेस्ट इनकी जो मैं बैटिंग देख रहा हूं ना कोलकाता की, टॉप नॉच नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर हाइंडसाइड में आप पीछे मुड़े, आई थिंक पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को जो इतना आपने पैसा दिया है, वो सिर्फ मैं कोलकाता नहीं जो बिड भी कर रहे थे, वाजिब नहीं, ये बैलेंस ही नहीं बनता ना यार आपका, ये बैलेंस ही नहीं बनता। आपकी टीम को बैट्समैन चाहिए, आपकी टीम की बैटिंग देखिए, गुरबाज और वेंकटेश अय्यर, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां गुरबाज या वेंकटेश अय्यर उस तरह के ओपनिंग बैट्समैन है जो परहैप्स बैंगलोर के पास आएंगे या फिर इवन पंजाब के पास आएंगे या किसी और टीम के पास आएंगे। ठीक है गुरबाज भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए हैं, वेंकटेश अय्यर स्ट्रगल कर रहे हैं, सो मच सो वो इंडिया के लिए एक ऑलराउंडर के तौर पर एक कैंडिडेट थे और उनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खिलाया जाता है। फिर आते हैं 3 नंबर श्रेयस अय्यर कप्तान, ठीक है नीतीश राणा नंबर 4, मुझे नहीं पता वो भी क्या करेंगे। इफ नीतीश राणा नंबर 4, उन्होंने पिछले साल ठीक है लाइक अ कैप्टन वो ही वाज अ सोल्जर, उसको भी ठीक खेला, और फिर रिंकू और रसल एंड देन नोबडी, देयर इज अ वैक्यूम, 11 तो बनाइए, वही डिस्कशन 6 तक तो आएगी है 7। अब ये जो पॉइंट है किसी भी टीम को आप लेकर आओगे तो उसमें हर सवाल ही आएगा कि ये अब कौन सा वाला प्लेयर आ रहा है। वो ठीक है कुछ प्लेयर्स जो नाम बड़े हैं उनकी रेपुटेशन वाइज हम शायद वो डिस्कशन ना करें, बट वो वक्त के साथ साथ बहुत कुछ है। आज जैसे टिम डेविड अभी जो इंडिया वाली सीरीज के लिए, उसमें लगा कि टिम डेविड पता नहीं सोए हुए हैं, बट आप एक एज अ फिनिशर टिम डेविड रसल इवन रोमन पॉवेल भी ये एक इंटिमिडेशन फैक्टर लाते हैं डेथ में कोई भी बॉलर होता है। देखो अब रमनदीप अगर खेलते हैं, ध्रुव जुरेल जब आए थे तब इतना किसी नहीं पता था कि वो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे। जब निहाल वधेरा खेला था तब किसी को नहीं पता था कि क्या कर देंगे, बट एक वो होता है कि आप यंगस्टर को वहां डालो। और केकेआर की पहली प्रायोरिटी आज बॉलर्स पिक करना थी और उसमें वो स्टार के पास गए और स्टार को चलो ले भी लिया, इनकी बाकी कॉम्पोजिशन बैटिंग लाइनअप आपको पहले ही पता था ऑक्शन से कि ये 6 यहां तक हैं, फिर आपको देखना कि हां भाई 7 शायद नरेन होंगे या कोई इंपैक्ट होगा, स्पिनर्स तो इनके सबको पहले से पता है। मैं 7 चलाएंगे हर्षित और वैभव, इनको कहीं ना कहीं वो गाइड करके कि आपको ऐसे ही बॉलिंग चलानी चाहिए। चेतन सागरिया भी है स्टार्क के साथ, वैभव अरोड़ा रहेंगे वही वाली, देखो वैभव अरोड़ा हर्षित स्लैश हर्षित राणा, ये तो चेतन सागरिया को हो सकता है, चेतन सागरिया कहते हैं ना। देखो हर्षित भी आज इंडिया ए और यहां तक है ना, मतलब कुछ तो उनकी बॉलिंग में और जो दिखा भी है केकेआर के लिए जब उन्होंने बॉल डाला और अच्छी जिस विकेट पर अच्छा बाउंस हो तो वहां पर अच्छे अच्छों को हिला देते हैं, फिर मतलब उनके पास वो बैक ऑफ द लेंथ वाली चीज है, तो डिपेंड ये भी करता है यूटिलाइजेशन वाइज। इनको ये कंफ्यूजन नहीं है ना कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है, इनको एटलीस्ट पता है प्रॉब्लम क्या है कि भाई बैकअप्स क्या हैं। अगर आपको द मोमेंट बैकअप्स की जरूरत पड़ती है, ओपनिंग का बैकअप चाहिए, तो आपको फिर कॉम्बिनेशन ही बनाना पड़ेगा कि यार के एस भरत खिलाओ,
और कहां खिलाओगे? आपकी जरूरत ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, बट केएस भरत खिलाओ क्योंकि आपको कीपर चाहिए इंडियन। अब ठीक है, श्रेयस ने तीन नंबर खेलना ही खेलना है, वो चाहे जो भी रिजल्ट हो। नितिश ने चार नंबर खेलना ही खेलना है, उस फ्रेंचाइजी के वो वाइस कैप्टन ने कैप्टन भी रहे, बट इनके पास कौन है? बैटिंग बैकअप्स में मनीष पांडे, आज की डेट में आप मनीष पांडे को उतना नहीं रेट करोगे। बाकी फ्रेंचाइजी जैसे जो हम डिस्कस कर रहे थे, किसी के पास सीएसके का अभी वो वहां पर ब्रॉडकास्टर्स में भी डिस्कस कर रहे थे कि पता चले जी मिचेल बेंच पर बैठा है, रचिन रविंद्रा बेंच पर बैठा है, मोइन अली बेंच पर बैठा है, तो आप बोलोगे कि एक इजी स्वॉप है, कि एक 11 हल्की नहीं होती। केकेआर की प्रॉब्लम यह कि फर्स्ट 11 क्लिक करा डन, बट द मोमेंट आपको सेकंड 11 पर जाना पड़ा वो बहुत ज्यादा गैप है और आपको जुगाड़ लगाना पड़ रहा है कि भाई गुरबाज, अब जेसन रॉय चाहिए तो कीपर का जुगाड़। मनोज इनकी वही है ना, मनीष पांडे में फिर उम्मीदें कि कर जाएं बस। इनकी टीम में ये है कि ये टीम दुआ करेगी कि हमारे प्लेयर्स चले भी, फर्स्ट 11 चल जाए, फर्स्ट 11 चल जाए, इंजर्ड कोई ना हो, क्योंकि एक प्लेयर भी अगर कोई बाहर हो जाता है किसी इंजरी की वजह से या फॉर्म की वजह से, तो आपका ना जो पूरा प्लान है वो बिगड़ सकता है। और जैसे हमने वरुण चक्रवर्ती का देखा, उनका एक साल बहुत खराब था, ऑर्डिनरी टाइप, पिछला साल बहुत अच्छा, डोमेस्टिक भी अच्छा गया है। अब फिर पता नहीं, वो जो हम कह रहे हैं डिस्कशन की ए साल, अब लिविंगस्टन पंजाब में, लिविंगस्टन तो कुछ आजकल शांति बैठे हुए, टिम डेविड को हमने इंडिया वाली सीरीज में देखा कुछ नहीं, चक्रवर्ती का सबसे ज्यादा विकेट, हाँ वरुण चक्रवर्ती का सब बढ़िया चल रहा है। जो बात कर रहे हो ना इंपैक्ट पर, केएस भरत है आपके पास, अब यूटिलाइज की बात कराने की बात, रमनदीप सिंह से मुंबई जितना निकलवा सकती थी निकलवाया, और मुझे याद है एक दो मैच में अच्छा करने के बाद भी ये बाहर हुए, बिकॉज तो आपको निकलवाना पड़ेगा। और नीचे से मनीष पांडे, मनीष पांडे का क्या रोल होगा? मनीष पांडे आप 50 लाख में, मनीष पांडे का कोई रोल पूरे सीजन जगह नहीं बनेगी, आएंगे बस टॉप 5 में उनकी जगह नहीं बनेगी, नीचे वो 11 में जगह नहीं बन रही। जो अभी आपने 11 बना रहे थे, आपने कहा गुरबाज/जेसन रॉय एक फॉरनर हो गया, मनीष पांडे वो एज इंपैक्ट ही आएंगे, अगर कोलैप्स हुआ कुछ हुआ, मैं वही कह रहा हूं मनीष पांडे का ही ना, श्रेयस अय्यर इंपैक्ट दिखाई देंगे, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रसल, रसल ठीक है, ये आपकी बैटिंग हो गई, ये आपके दो फॉरेन प्लेयर्स भी आ गए, छह हो गए। अब आपको अब आप एक काम कीजिए ना, आप नीचे से मैं खेलेंगे नरेन खेलेंगे, सुयश आपके तीन स्पिनर खेलेंगे, सुयश तो बैक, सुयश हो गए आपके बॉलिंग इंपैक्ट, नरेन खेलेंगे और वरुण चक्रवर्ती खेल आपने शुरू करना ही करना है। आपको हर्षित, वैभव और चेतन साकरिया में से एक को एक ही खिलाना है पड़ेगा, तभी आपके उसके बाद एक बैट्समैन का इंपैक्ट प्लेयर रह गया बस एक, और सो आपका बैटिंग इंपैक्ट प्लेयर जो है वो रह गया, आपने वैभव को नहीं डाला, ले लिया तभी, नहीं मैंने ये आप हर्षित और सो इनकी टीम जो बन रही है, एक मिचेल स्टार्क है जो नया बॉल डालेंगे, उनके साथ फास्ट बॉलर या वैभव या हर्षित राणा या चेतन साकरिया एक ही खेल सकता है, क्योंकि इनको स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। तो नरेन और वरुण स्टार्ट करेंगे, सुयश इनके हो जाएंगे इंपैक्ट स्पिनर, और अब रह गया इंपैक्ट, ये मतलब एक बैट्समैन इनके पास और गुंजाइश है, और वैभव अरोड़ा के साथ, इसलिए क्योंकि आप स्टार्क एक डेथ में डालेंगे, ठीक है वो नरेन भी डाल देते हैं डेथ में, वरुण भी, बट आप एक फास्ट बोलिंग ऑप्शन ऐसा ओपन रखोगे जो फेजेस में डाल दे। अब हर्षित राणा ने वो प्रोग्रेस तो दिखाई थी, अब किस तरीके से आते हैं वो देखना पड़ेगा। चेतन साकरिया वेरिएशन है, सब कुछ है, डाइसी लगते हैं, तो इसलिए शायद ये पहले हर्षित राणा के साथ जाएंगे। नहीं, और देखो मनोज एक और बात, स्टार्क एक ऑलरेडी लेफ्ट हैंड पेसर, आपके लिए मेन चीज ये है आपने 5 बॉलर खिलाए बिकॉज आपको रसल है, व्हाट इफ रसल बॉल नहीं डाल पाएंगे तो उस मैच पर्टिकुलर में फिर क्या आपके पास क्या है? नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, वो नहीं आप उनसे बॉल डलवा सकते, वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा से बॉल डलवाना पड़ गया, आप फंस गए, एक ओवर भी आपका फंस गया तो आप गए। सो नाउ द चॉइस इज कि आप क्या करो, क्या आप वैभव, हर्षित और चेतन साकरिया में से दो खिला लो? नहीं तो फिर पॉसिबल कैसे होगा? मैं तो आपसे, आपके पास बैट्समैन भी कौन है? मैं वही तो यहां पर रमनदीप ही बनते हैं, रमनदीप ही बनते हैं वही 7 नंबर एग्जैक्टली। तो ये है आपकी टीम कोलकाता, अब आप देख सकते हैं, नहीं देख क्या यही दिखती है, बट अगेन जब आप ऑक्शन में आए थे इतने पैसे लेके, आई डोंट थिंक कोलकाता शुड गो होम हैप्पी, दे विल गो होम हैप्पी इन टर्म्स ऑफ वो विजुअल पूरी उम्र चलेगा जब तक मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड को तोड़ेगा नहीं, और बात की जाएगी, बट आपको थोड़ा सा ना और प्रेपरेशन करनी चाहिए थी, आपकी बैटिंग में अभी भी गुंजाइश है। कितना थैंक यू, आपने शर्टफन रदरफोर्ड लिया, वो खिला नहीं पाओगे, मुजीब आप खिला नहीं पाओगे, एटकिंसन आप खिला नहीं पाओगे, तो
आपका आप मनीष पांडे को भी नहीं खिला पाओ, खिला केएस भरत भी आप मनीष पांडे का ही हो गया जी, आप 18 तीन आउट हो गए, मनीष पांडे आपके बैकअप हो गए श्रेयस और नीतीश राणा। जब इनके पास वैसे 13 प्लेयर्स भी थे ना आज ऑक्शन से पहले, तो ये था कि इनको एक चीज जो चाहिए वो फास्ट बॉलिंग इनको रीबिल्ड करनी थी, उसमें इनको ओवरसीज बॉलर चाहिए था अच्छा, और ये गए स्टार्क के लिए ऑल आउट, वो उनको ले लिया, बट बाकी इनकी 11 उस टाइम भी बन रही थी उतने 13 के साथ भी, बट एक फास्ट बॉलर अच्छा इसलिए चाहता, और स्टार्क आ गए ठीक है, बट अब वही है कि भाई फर्स्ट 11 इंजरी और ये सब वो इफ्स एंड बट्स इसलिए ज्यादा बन रही है हां, बट वो बीच में एक मिसिंग लिंक अभी हाँ, भी है, तो उसके अभी वही है कि आपको ऑप्शन रमनदीप ही है और काफी लाइनअप ऐसे हैं जहां पर आप, एंड रमनदीप इज अ गुड प्लेयर, मैं वही कह रहा हूं, मैंने उनको पंजाब प्रीमियर लीग अभी पहली टीम आई है पंजाब, उसमें यार उन्होंने 2-3 मैचों में तो बड़े जबरदस्त बैटिंग तो फिनिश किए, अलग रही, इज अ वेरी गुड फील्ड, काफी मैचों में उन्होंने जो एक आधा मैच तो मुंबई के लिए डेथ में मुंबई ने करवाया, बढ़िया यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करी, तो टेम्परामेंट है रमनदीप, मैं वही कह रहा हूँ, और अभी तो ये एक टीम आई है, हर एक टीम में एक स्लॉट ऐसा आएगा जहां पर आप सवाल उठा सकते हो यार कि ये प्लेयर क्या, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ द मोमेंट 10 टीमें हुई थी तो आपके हर टीम में एक प्लेयर तो हो गया था ऐसा कि जो शायद आप बोलो यार कि जम नहीं रहा, इसीलिए शायद इम्पैक्ट भी लेकर आए ये क्या हो गया, बट एक प्रॉब्लम अभी लगती है कि किस तरीके से चीजें, तो चलो ये हो गया कॉल करें, अब आपकी टीम पर आते हैं पंजाब, रुक जाओ बाकियों की बना लो मेरी बात, सीएसके आ जाए, सीएसके बना बैटिंग, बैटिंग खत्म हो जाएगी या पंजाब खोला, पंजाब खोला जैसे आपको, पंजाब आ जाते हैं, चलो पंजाब में 6 नंबर के बाद खत्म हो जाते हैं, अब पंजाब ने मेरा ये मानना है कि बेटर देन मेनी टीम्स आज की है, दे वर बेटर देन मेनी टीम्स ऑक्शन में, ठीक है, अब ये भी आपको समझना होगा कि पंजाब की टीम क्या है, कोई ये फेवरेट टीम नहीं है कि जी हमें उसकी शक्ल देखें और हम कहें यार यही जीतेगी, दे हैव नेवर वन इट, तो आपको उससे शुरू करना पड़ेगा कि इस टीम में शिखर धवन है वो ओपन करेंगे, शिखर धवन के साथ जॉनी बेस्टो डिपेंड करता है, और प्रभ सिमरन, मतलब आपका 1-2-3 है, शिखर प्रभ और जॉनी, मतलब इन वॉट एवर वे खेलेंगे जी, जॉनी बेस्टो को नंबर 3 खिलाओ, प्रभ सिमरन भी 3 हो सकते हैं, प्रभ सिमरन को बाहर नहीं बिठा सकते आप, और जॉनी बेस्टो को भी शुरू में आपको बाहर नहीं बिठाना चाहिए, इवन दो आपने रायले रोसो रखा है, बट क्या वो 3 नंबर पे, नहीं फिर 3 नंबर कौन खेलेगा, फिर ओपन करवा लो रायले रोसो, नहीं नहीं तो प्रभ सिमरन शिखर है ही है ना, प्रभ सिमरन ओपन कर देंगे, रायले रोसो 3 खेल जाए, अगर जॉनी बेस्टो की फॉर्म नहीं है तो, पर जॉनी बेस्टो से आप शुरू नहीं करना चाहोगे, वही करेंगे जिस तरह का फॉर्म है, वही करेंगे वर्ल्ड कप में हमने देखा, और जो हार्ड विराट की सीरीज है T20 फिर भी आप कॉन्फिडेंस नहीं, आपको शुरू तो जॉनी बेस्टो को करना पड़ेगा, जिस नहीं नहीं वही करेंगे यार, वही जॉनी बेस्टो स्टार्ट, तो आपकी प्लेइंग 11 में जॉनी बेस्टो ही करेंगे, 4 नंबर, अब यहां पे थोड़े ये फंसते हैं चल रहा है कि 4-5 में लिविंगस्टन 5 या लिविंगस्टन 4, लिविंगस्टन 4 चलो, बट उनकी फॉर्म भी हालिया ठीक नहीं है, तो क्या करें फिर, नहीं उनका बैकअप रायली रूसो, अब जो डिस्कशन हमारा अभी कोलकाता के लिए हुआ बेस्टो अभी हाल फिलहाल में ठंडा हुआ ठीक है, प्रभ सिमरन अगेन एक इंडियन प्लेयर किस तरीके से हैंडल करते हैं सिचुएशन, शिखर धवन जो अभी व्हाइट बॉल ही नहीं खेल रहे ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल, इट वोंट बी इजी, मैं वही कह रहा हूं, तो इनकी तो ऊपर जहां से बैटिंग ने जिताना है वो ऊपर 3 और चौथा हम बोल रहे हैं कौन, लिविंगस्टन भी हुआ तो लिविंगस्टन ऐसा नहीं कि नंबर 4 आइडियली है, लिविंगस्टन कर क्या रहे हैं हाल फिलहाल, आप ये भी देखो ना, अच्छा कोई स्पिनर आपके पास है तो लिविंगस्टन के सामने डालो, आजकल लिविंगस्टन कांप ही रहे होते हैं थोड़ा, तो वो उनका थोड़ा सा जो 100 से माहौल बना था उससे काफी नीचे है, जो उनके पास है उनको लिविंगस्टन का एक बैकअप रखना होगा रायली रोसो, अब ठीक है हम एज ऑफ नाउ अगर आज मैं टीम चुनता हूं तो लिविंगस्टन उस टीम में है, आपको मार्च में आके लगता है कि यार वो रन नहीं बना रहे या जो भी है बैडली आउट ऑफ फॉर्म, आप रायली रोसो को खिला दो, आप फिर उनको खिला दो, बट बैटिंग में आप दो ही विदेशी खिला सकते हो, दो ही विदेशी खिला सकते हैं, बॉलिंग में भी दो विदेशी, अब दिक्कत इनको आएगी यहां से, जितेश शर्मा क्या 5 के हैं या 6 के हैं, मेरे लिहाज से जितेश शर्मा मोस्ट लाइकली 6 हैं, अब यहां पे 5 नंबर पर इनके पास इन्होंने कभी हरप्रीत भाटिया से बैटिंग कराई थी, और कौन है इनमें, अब मुझे बताइए, ऋषि धवन अगेन कैनॉट बी योर नंबर 5, वैक्यूम है, सो ये नंबर 5 वाले में उधर जो नए यंगस्टर्स आए हैं उनके बारे में बताइए,
आशुतोष शर्मा इन्होंने अभी कुछ फास्टेस्ट 50 वगैरह लगाई थी T20 में। शशांक सिंह वो प्लेयर है, आशुतोष शर्मा वो है जिन्होंने अभी फास्टेस्ट 50 वगैरह अच्छे स्ट्राइकर टाइप, बट फिर वो ये ना कि सारे वो अनटेस्टेड हैं। शशांक सिंह जिन्होंने हैदराबाद से खेला था और आज जिनको पंजाब ने पिक करके बोला भाई गलती से ले लिए शायद हमने, शशांक सिंह वो प्लेयर है। अब वो प्लेयर का भी कैसा रहता है आगे देखना पड़ेगा। इनके पांच छह साथ तो हो गए ना, जितेश लिविंगस्टन और सैम करन। बट वो लिविंगस्टन सैम तो साथ खेलेंगे ना यार, वो लिविंगस्टन को ऊपर कर रहे हैं। अब जितेश को पांच कर दो, सैम करन को छह कर दो, साथ कौन? फिर वही ओवर है फिर। यू कैन चेंज नहीं खिला सकते ना, विदेशी प्लेयर पंगा हो गया ना। मेरा पांच नंबर कौन है इस टीम में? पांच नंबर तो ढूंढ रहे हैं ना, छह नंबर तो जितेश है। अगर जितेश को मैं छह से पांच कर दूं तो फिर छह कौन है? अगर छह सैम करण है तो फिर सात कौन है? सो ये इनके लिए वरी है ना, इनके पास भी अब दिक्कत आ रही है, एक बीच में बैट्समैन नहीं है। हरप्रीत भाटिया एक दो उन्होंने अच्छी नॉक्स खेली थी, लेफ्ट हैंडर मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, अच्छे प्लेयर है। बट अगेन क्या वहां पर जाकर आपको वही मिलेंगे? क्या इन्होंने भी IPL में, आई थिंक इन्होंने आज बड़ी अच्छी बाइस की, बट मेरा मानना है कि एक बैट्समैन इनको और लेना चाहिए था। लेते ना रहते कम से कम उनको शाहरुख को रिलीज, शाहरुख के साथ जा रहे थे वो, बट वो है कि शाहरुख ड्यूटी लेने साथ रखना चाहिए था, शाहरुख के पास जा रहे थे वो। अच्छा बेस्ट और रूसो को अगर दोनों को 11 में डाले तो बॉलर कहां खिलाओगे? तो फिर लिविंगस्टन भी खेलेंगे, कप्तान को कहां खिलाओगे? नहीं फिर लिविंगस्टन, लिविंगस्टन कहां होगा फिर? आप ही बताओ फिर लिविंगस्टन बार, आप रबाडा आपके पास है, देखो दो बॉलर खिलाने ही पड़ेंगे इनको आपके पास। सैम करन ने खेलना ना सबसे बड़ी बात, सैम करन और एक नेथन एलिस है, रबाडा है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, एक क्रिस वोक्स भी है, नेथन एलिस इनमें से एक खेलेगा, नेथन एलिस खेलेंगे, वो होता रहेगा। पर सैम करन की बैटिंग है ना इनके पास, नेथन एलिस और वोक्स, सर नेथन एलिस और वोक्स। सो अभी एज ऑफ नाउ जो इनकी टीम बन रही है इसमें हरप्रीत पाटिया जो है वो नजर आते हैं जी नंबर पांच। अब वो छह नंबर जितेश जो वो स्लॉट हम बोल रहे हैं, इसके बाद इनकी टीम जो है ये बेटर देन मैनी। यहां पे है सैम करन, अगेन यू नेवर नो कौन सा सैम करन। उसके बाद आपके पास इनका ग्राफ नीचे ही आया है सैम करन का, नहीं मैं कह रहा हूं वही कौन सा, कह रहा हूं T20 वर्ल्ड कप जहां थे सैम करन। हाँ। पिछले मैच में एक में इंग्लैंड ने उनको नंबर चार भेज दिया, हाफ सेंचुरी जरूर मारी, बट जहां पर करंट सिचुएशन आई बॉलिंग देखता हूं आउट हो गए। हर्षल पटेल थोड़ा महंगे थे बट आई थिंक हर्षल पटेल इज अ गुड बाय। अब आप यहां पे आपके सात प्लेयर हो गए, अब आपको चाहिए पांच और पांचों बॉलर ही डालेंगे हम मोस्ट लाइकली। अर्शदीप हर्षल, देखो अर्शदीप खेलेंगे, अर्श सैम करन हर्षल हर्षल एलिस राहुल चहर और अर्शदीप हो गया खत्म। राहुल चहर हरप्रीत ब्रार या राहुल चहर में से कोई है? नहीं राहुल चहर तो खेलेंगे, एक स्पिनर और खेलेगा लास्ट ईयर, क्योंकि हरप्रीत को हरप्रीत ब्रार राहुल चहर नहीं डाल रहे थे ना लास्ट ईयर। अच्छा तो आपको नहीं, राहुल चहर को विकेट नहीं मिली, बॉल सही डाला। देखो ये नाम बहुत बड़े नहीं है। अच्छा इन्होंने T20 के हिसाब से जो अर्शदीप हर्षल नहीं एक वो भी तो आएगा ना फास्ट बॉलर नेथन एलिस, नेथन एलिस हर्षल पटेल और अर्शदीप और सैम करन और राहुल चहर से स्टार्ट आप करवाओगे? राहुल चहर तो ये आपकी बॉलिंग, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा ये जो प्रिंस चौधरी भी रिस्ट स्पिनर हैं, लेग स्पिनर, और इनका एक्शन थोड़ा वैसा है क्विक आर्म टाइप, वो जो लेग स्पिनर है मुबारकबाद जी, थोड़ा सा शिविल कौशिक टाइप का, तो वो भी मतलब मे भी किसी स्टेज पर अगर सोचे अनलेश करने का। शशांक सिंह ऑलराउंड ऑप्शन, मैं भी कर रहा हूं एक घंटे में कर रहा हूं, तो इनमें मतलब वही है डोमेस्टिक प्लेयर। जैसे पिछले सीजन पंजाब ने किया था कि आखिर में क्या क्या सारे अनकैप प्लेयर्स डोमेस्टिक जो जो उनको लगा, आशुतोष शशांक एक उनकी वजह से उनके नजर में लगा कि वो पिक नहीं करना चाहते थे, बट विश्वनाथ तनय प्रिंस ये सब उन्होंने। एक बार तो मनोज 11 बन रही है, 11 इनकी ठीक बन रही है। देखो इनकी बॉलिंग अगेन दे हैव ऑप्शंस, जैसे हमने कोलकाता की बात की है, कोलकाता के पास दिक्कत है बॉलिंग ऑप्शंस कम है। द मोमेंट आप वरुण एक फास्ट बॉलर, इनका उल्टा है, पंजाब के पास फास्ट बॉलिंग है, स्पिन का थोड़ा रहेगा दिक्कत, उनके पास स्पिनर से फास्ट बॉलिंग नहीं है तो यहां पे, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन ये आती है ना, आप देखिए आपके पास अर्शदीप वो T20 में गुड बॉलर में गिनता हूं, हर्षल पटेल नॉट एट हिज बेस्ट बट गुड इनफ, फिर उसके बाद नेथन एलिस आप अच्छा गिनते हैं, सैम करन है आपके पास एंड लियम लिविंगस्टन है। द मोमेंट ऑफ स्पिनर की बात करते हो, सपोज करो हरप्रीत ब्राड या राहुल चहर का नहीं दिन अच्छा जाता, आपके पास लिविंगस्टन है, या फिर ये टीम और रिस्क ले और ये टीम क्या करे एक स्पिनर और कम कर दे और लिविंगस्टन से बॉल करवाए ही करवाए,
तब भी इनके पास अभी इनके पास सात बॉलिंग ऑप्शंस हैं, एलिस ब्राड, चहर, हर्षल, अर्शदीप, सैम करन, लियम लिविंगस्टन. एक बॉलिंग ऑप्शन कम कर दो आप सपोज, और लिविंगस्टन से बॉल डलवाना, आप एक बैट्समैन और खिला सकते हो. अब बैट्समैन में दिक्कत है कि या तो ये ऋषि धवन के पास जाएंगे, बट आई थिंक पंजाब कंसिडरिंग जो वो टीम थी, आई थिंक देव डन गुड. एक दो आई थिंक देव डन गुड. मैं मतलब थोड़ा सा ना इनको पता सर, बट इनकी बैटिंग में वो फायर पावर है, आप भरोसा करेंगे? है, बिल्कुल है. मतलब शिखर धवन, मनोज ने कहा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहे, जॉनी बेस्टो जो फॉर्म है उस हिसाब से, मतलब आप देखोगे ना, आप मुझे बताओ सिमरन, चलिए जेसन रॉय फॉर दैट मैटर, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जेसन रॉय की क्या गारंटी? बट जेसन रॉय से पहले गुरबाज है ना वहां, तो वेंकटेश अय्यर की क्या गारंटी है? बट यहाँ तो सर वो प्लेयर है ना, या तो आउट ऑफ फॉर्म है या क्रिकेट खेले नहीं है. बट ये इंटरनेशनल स्टार्स की बात कर रहे हो आप. अगर जॉनी बेस्टो ने T20 में आग लगाई है, जो एक दो साल में पंजाब ने अच्छा खेला था, वो दैट वाज बिकॉज ऑफ लियम लिविंगस्टन. और जिस दिन खड़ा हो जाता है लियम लिविंगस्टन, याद है आपको, छतों से बॉलें आती हैं. पर सर, सो अभी आप सिटिंग इन दिसंबर ये अज्यूम मत करो कि जॉनी बेस्टो ने रन नहीं ही बनाने या फिर लियम लिविंगस्टन ने नहीं बनाने. इनके पास, और ये आपने एक मैच की टीम बनाई है ना, आपको जिस दिन लगे कि जॉनी या लियम नहीं रन बना रहे, इनके पास राइली रूसो है, इवन सिकंदर रजा है नीचे. आप सिकंदर रजा ने दो मैच जिताए थे, चेन्नई में एक जिताया था, चेन्नई में जो जिताया था एक मैच, एक लिविंगस्टन उसमें कम करना पड़ेगा आपको, तब सिकंदर रजा आएंगे. हां, ऑलराउंडर वही बैकअप बता रहे हैं. पर सर एक चीज भी है ना, जो अरुण फिंच के साथ हमने देखी थी, फिंच के साथ कि जब नहीं बनते वो नहीं बने, निकल गए. वही जॉनी बेस्टो ना वर्ल्ड कप भी खेलने आए थे, उनका वही पिकअप शॉट लगाते, एक लग गया तो लग गया, नहीं लगे अदरवाइज कोई बात नहीं. अब चेंज कर दो, बड़े प्लेयर को बड़े मैच तो देते हैं, वो लायबिलिटी आज के टाइम में ज्यादा लग रहे हैं. अब जब बाकी टीमों पे आओगे ना, ये सवाल बाकी टीमों पर भी शायद ज्यादा भी हो. केकेआर से उनको बेंचमार्क बना रहे हैं पंजाब, तो पंजाब को किससे बनाऊं? अगर आप इनको बड़ी और टीमें देखिए ना, मतलब कौन सी देखूं, मेलबर्न स्टार्स देखूं, कौन सी देखूं? देखो जॉनी बेस्टो की दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जॉनी बेस्टो का जब पहले राजपक्षे होते थे इनके पास, उनका नहीं चला था वो खेले. आज राइली रूसो खरीद लिया उन्होंने अंतिम, वो है. मैं इसीलिए कह रहा हूँ एक छोटी सी गलती की है पंजाब ने. आई थिंक पंजाब को दो 11 जब आप बनाते हो ना, ये चार नंबर तक मैंने तो 11 नहीं, मैं तो बनानी शुरू की. एक बैट्समैन पंजाब को चाहिए था, और अलग बात है, और पंजाब को चाहिए था सुमित कुमार के लिए बिड करते यहाँ, मतलब क्योंकि अभी वो जो हम कह रहे हैं ना, एक ऑलराउंडर यार बीच में, एक बॉलर आपके पास जहां पर इतने ऑलराउंडर्स हो, आप एक बॉलर स्पिनर अगर कम भी करना चाहो जिसका खराब चल रहा हो, आप एक 7 नंबर पे या 8 नंबर पे सुमित कुमार जैसा ऑलराउंडर डाल देते पंजाब में, उनको खिलाने की एडवांटेज, और नई बॉल भी डाल देते अगर जरूरत पड़ती. यहाँ पे एडवांटेज थी क्योंकि नई बॉल पर आप, ठीक है अर्शदीप ने अभी पिछले मैच में बड़ी अच्छी डाली, बट नेथन एलिस और वन चेन ज्यादा बेटर उसमें उस तरीके से दिखते हैं. सैम करन से नया बॉल डलवाएंगे, बट वो ये कि सैम करन से इंग्लैंड भी और फ्रेंचाइजी में भी जहां पर भी वो खेल रहे होते 100 वगैरह, वो नई नई करवाई जा रहे हैं. सैम करन का वो देखना पड़ेगा, एक मैच में विकेट ली यार, वो तो आज हम 11 चुन रहे हैं. हाँ, नहीं तो ऑब्वियसली आपको देखना ही पड़ेगा ना. नेथन एलिस, सैम करन ही डालेंगे, नहीं सैम करन से ही डलवाते कोई भी फ्रेंचाइजी जहां सैम करन होता है, तो उनको देखना पड़ेगा. सैम करन वन चेंज, और बैटिंग अगर चल गई, अगर इनकी बैटिंग चल गई पोटेंशियल पे जो 2 साल पहले चली थी, तो इनकी बॉलिंग मुझे और मजबूत दिखी है विद हर्षल पटेल कमिंग इन, क्योंकि इनके पास ऑलराउंड ऑप्शन बेहतर है. लिविंगस्टन बॉल डालते हैं, सैम करन दोनों चीजें कर लेते हैं, प्लस आपके पास 5 बॉलर हैं. सो जिस टीम के पास 7 बॉलिंग ऑप्शन हो, आई थिंक बॉलिंग उनकी इज अंडर कंट्रोल. द ओनली थिंग इज वो 5 नंबर का बैट्समैन इनके पास नहीं है. बट हरप्रीत भाटिया ऐसा थोड़ी है कि उनके पास ऑप्शन नहीं हुई भाई, ये दिक्कत तो आपको वहां पर भी आ गई है कोलकाता. अब आगे बढ़ोगे हो सकता है बड़ी टीमों में ये दिक्कत, मैं वही कह रहा हूं हर एक टीम में इशू है ये, बट दे वर स्मार्टर देन मेनी टीम्स टुडे, क्योंकि इंडियन प्लेयर वैसा कोई किसी के पास है नहीं जहां बोलो कि 5-6 में, वो लकीली इनके पास जितेश है। कि जिसको आप बोल रहे हो कि 5 या 6 कहीं पर खेल लेगा वो. आपके पास फ्रेंचाइजीज में वो चीज है नहीं. राजस्थान रॉयल्स के लिए चलो ध्रुव जुरेल ने वो काम कर दिया, थोड़ा बहुत आपको भरोसा आज की तारीख में है, बट वही है कि अभी भी पंजाब किंग्स, मतलब जैसे हमने कोलकाता में बात करी कि काफी एरियाज है, मैच का मैच में शतक लगा दिया वहां पर साउथ अफ्रीका ने 104/0, तो हमें 10 टीमें करनी है आज. ये कह रहे हैं अकेले बनाएंगे पूरे 2 बंदे. हाँ मतलब चेन्नई पे चलते हैं, नहीं उसका, अरे उसका ध्यान रखना है इसको. अरे नहीं यार, क्यों छोड़ना चाहते हो किसी बात में करें. किंग्स टू किंग्स, मतलब अगर हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट. अच्छा किंग्स टू किंग्स, अब ये देखिए चेन्नई सुपर किंग्स,
इनके इन्होंने सब पैसा भी खर्चा, सिर्फ 90 लाख बचे थे। एक चीज जो लग रही थी सबको, पर चेन्नई अपने मेथड पर गई, सबको लग रहा था ये एक बड़ा फास्ट बॉलर टारगेट करेंगे, वो कोइट्ज़े के लिए भी हल्का सा शुरू में गए थे शायद, और उसके बाद ना मिचेल स्टार्क में कुछ इंटरेस्ट दिखाया ना कुछ, मुस्तफिजुर उन्होंने लिया। बट इन्होंने आप देखो नए, हम बोलते थे ना पैट कमिंस चेन्नई के लिए, हम ट्रेविस हेड के लिए बोली लगाई थी इन्होंने, रचिन रविंद्रा के लिए बोली लगाई, उसको खरीदा, शार्दुल के लिए गए थे, बिकॉज दे नो नाउ कि आपको आगे जाना है, दिख रहे थे और ना भी बाय करते तो भी उनकी टीम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो 11 चुनो, चेन्नई की सब चुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऋतुराज और डेविन कॉनवे, ठीक है जी, डेविन कॉनवे के नहीं वो नहीं करते तो फिर रचिन रविंद्रा कर सकते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी आप डेविन कॉनवे इज योर स्टार जाएंगे। मैं तो रचिन रविंद्रा को भी खिला दूंगा। तीन नंबर खेलेंगे अजिंक्य रहाणे, क्या है? नहीं मेरा नहीं गिरा, आपका गिरा? यार देखो बात ये, इन्होंने जो नई पिक्स ली है अपनी, अगेन चेन्नई को आज ऑक्शन में जब दो मोमेंट राइड हो गए। अब समीर रिजवी का जिस तरीके का सीजन गए कि एज ग्रुप में अंडर 23 जो उन्होंने खेला, एमएस धोनी उनको 11 खिला देंगे उनका सर, अगर आपने इन्वेस्ट चेन्नई जब द मोमेंट इन्वेस्ट कर रहे हो, और उनको स्पिन प्ले की भी बात हो रही है कि स्पिन प्ले उनका अच्छा, और उनको पता है कि राइडू जब गए वो एक वैक्यूम है, उसी के लिए उन्होंने डेरेक मिचेल पर भी इन्वेस्ट किया है, उसी के लिए समीर रिजवी पर भी इन्वेस्ट किया है, वो दो ऐसे हैं। अच्छा अरावली अवनीश डाउट्स बिकॉज राइडू प्रशांत सोलंकी निशांत सिंधु को 2 साल इन्होंने बस घुमाया ही है। सर अगर वो पहले का आईपीएल होता जहां पर आप ऑलराउंडर खिला दो तो निशांत सिंधु खेलते, निशांत सिंधु एज अ बैटर पिक नहीं हो सकते, निशांत सिंधु एज अ बॉलर, हाँ तो तभी से वो आए, नहीं उससे पिछले साल भी थे। निशांत सिंधु का ये भी है कि उनका ऑफ लीड जो है, देखो ये है लड़का करंट में अभी, समीर रिजवी अंडर 23 कप्तानी भी करी वो इंडिया ए अब जीत के आए हो टूर्नामेंट एशिया कप और इज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बट इनके रन कहां है किसके? भाई वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो जो आप श्रीलंका में टूर्नामेंट जीत के आए थे, बट वही है ना 50 ओवर 20 ओवर निशांत सिंधु के आप एज अ बैटर किसी से ऊपर खिलाओगे व्हाई नॉट इस लाइनअप में किससे पहले, तो एज बैट्समैन उनके भाई फर्स्ट क्लास में 100 देखो ना, तो फर्स्ट क्लास नहीं ना T20 है, मैं कह रहा हूँ किसके ऊपर खिलाओगे, T20 में भी उनके बैटिंग है किसके ऊपर इस लाइनअप में, 11 तो बनाओ, मैं वही कह रहा हूँ जहां पर कौन से पोजीशन समीर रिजवी का, हाँ यस ही इज अ यंगस्टर, कांग्रेचुलेशंस टू हिम, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अंडर 23 एंड वन यूपी प्रीमियर लीग, मैं ये नहीं मान सकता कि एक्स वाई जेड से वो टीवी पे नहीं देखा है भाई, वही स्टार्टिंग मैचेस में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे सही आपको नहीं, नहीं वो हो सकता है आप 11 बनाओ तो पता चल जाए स्टार्ट में जो बनाओ, और सेम वो निशांत ना एज अ बॉलर आ सकते हैं किसी से ऊपर जो इनके पास तो जडेजा है जब तक तो तब तक तो वहां उनकी प्रॉब्लम वो है। ऋतुराज 3 खेलेंगे अजिंक्य रहाणे, ठीक है अब चेन्नई में बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होता, वहां होती है फ्लेक्सिबिलिटी, अब वो आपको पता है कि जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आएगा, चार पे अपने वो होगा शिवम दुबे, अब उनका इंपैक्ट प्लेयर कौन है, क्या इस साल इंपैक्ट प्लेयर समीर रिजवी है पता नहीं ना, समीर रिजवी है शिवम दुबे और समीर रिजवी को रखेंगे, बट अब वक्त आ गया है ना, अगला सीजन उनको नए लड़कों के साथ ही जाना पड़ेगा, रहाणे हमेशा नहीं खेलेंगे, धोनी ने हमेशा नहीं खेलना है, कुछ कुछ तो आपको ले जाना पड़ेगा ना, शेख रशीद का गेम थोड़ा डिफरेंट है, इनमें T20 वाली चीज जो है वो थोड़ा सा समीर रिजवी के पास ही है, अगर आप इंडियन ऑप्शंस देख रहे हो एज अ बैटर जो आ जाए वहां पर, जब ये पिक करते हैं ना खिलाड़ी तो उसमें यंग भी रखते हैं और फिर कुछ वैसे भी खेलते हैं, इनकी मजबूरी भी हो जाएगी ना, राइडू नहीं है तो दो खिलाड़ी जैसे राइडू इंपैक्ट में आते थे, रचिन रविंद्रा दूसरा खिलाड़ी ले लिया, फिर हमको एक भरोसे के लिए चाहिए डैरिल मिचेल भी जिसकी उम्र भी हो रखी है, तो ये जब पिक भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखाते हैं नया लिया है, बट हम डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्रा को एक साथ नहीं खिलाओगे ना, नीचे तो इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा और हो सकता है दोनों भी ना खेले, ये भी पॉसिबिलिटी है, जो मैच चेन्नई में होंगे आप रविंद्र को देखेंगे बिकॉज उनके पास स्पिन एबिलिटी ज्यादा बेहतर है। देखो सर जैसे आपने पिछले साल बताया था कि 7 मैच तो घर पर खेलने हैं, 7 में से 5 तो जीतेंगे, पर ट्रैक क्या मिले थे, 7 में से 5 जीते भी नहीं, ट्रैक्स डिफरेंट थे, जहां पर एमएस धोनी ने खुद बोला कि यार मैं तो अनएक्सपेक्टेड, ये सोच ही नहीं रहे थे कि ऐसे विकेट्स यहां पर रहेंगे, तो पिचेस भी थोड़ा, जो वर्ल्ड कप में खेला हमने ऑस्ट्रेलिया से गेम वो थोड़ी सी डिफरेंट विकेट निकल के आई आपके सामने, वहां पर हमने जो हमने वनडे खेला था बायलेटरल वाला चेन्नई से वो डिफरेंट विकेट थी, बट जो आईपीएल की गेम्स हुई वो डिफरेंट निकल कर आ गई थी, और रचिन रविंद्रा अभी हमें बहुत ज्यादा लग रहा है कि वो T20 में भी बॉल डालते हुए दिखेंगे सीधे, न्यूजीलैंड की अपनी मजबूरियां भी थी इस वर्ल्ड कप में जो उनसे उतने ओवर्स भी करवाए, हाँ मैं वही कह रहा हूँ रचिन रविंद्रा एक ऑप्शन है, यार ग्लेन फिलिप्स ने रचिन रविंद्रा से काफी मच बेटर बॉलिंग करी है,
और ग्लेन फिलिप्स तो रविंद्रा की चॉइस ये है कि जब सब पिट रहे हैं तो बॉल डलवा दे। बात बताऊं इस 11 में ना रचिन रविंद्रा भी खेल सकते हैं हाँ, क्योंकि आपका आपका बॉलिंग अटैक। अरे रचिन रविंद्रा का मोइन अली के साथ पेचा होगा यार, बट मोइन अली एक बेटर बॉलर। मैं कह रहा हूँ पेचा होगा उनका, मतलब वो विकेट टेकिंग स्कोर्स मिले यार इनको। शिक्षा ना किसी का सेंटर खिलाना चाहिए, अब इनको वो दिक्कत नहीं कि नई बॉल पर क्या है। फार बेटर फील्डर, फार बेटर दीपक चहर के आने के बाद इस्तेमाल अच्छा किया। ठीक साना को उन्होंने इस्तेमाल अच्छा नहीं, नहीं, वो ठीक है वो पावर प्ले में डालते हैं, बट सैंडर भी आप देखो पावर प्ले में सैंडर भी डालते हैं। और अब आपके दीपक चहर भी आ जाएंगे ना जिन्होंने नई बॉल तो नई बॉल से विकेट निकालेंगे। मैं तो अभी देखो आपको पतेराना को भी खिलाने की जरूरत नहीं है चाहो तो। हाँ आपको हो सकता है मुस्तफिजूर भी आपको एक फॉरेन प्लेयर के तौर पर खिलाना पड़े, तो 11 आप बना नहीं रहे हो ना यार, दिक्कत ये है। 11 बनाओ तो इम्पैक्ट इनकी 11 में आप ऑर्डर वाइज नहीं जा सकते हो, बट आप प्लेयर बता सकते हो। रहाने, शिवम दुबे, आपके हो सकता है समीर रिजवी एज एन इम्पैक्ट, राइडू भी एज एन इम्पैक्ट ही खेलते थे, तो एक बल्लेबाज तो इम्पैक्ट के तौर पर इस्तेमाल करोगे आप। फिर आपका जडेजा है, धोनी है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कोई भी जैसे रहाने हो, राइडू हो, ये एज एन इम्पैक्ट टाइप आप सिचुएशन में देखते थे, बट रहाने के साथ क्या रहता है कि बहुत अच्छे वो फील्डर भी हैं, तो आप चाहते हो कि वो फील्ड में रहे, स्लिप्स वगैरह में, आउटफील्ड वगैरह यहाँ पर वो सब रहे, तो ये सारे तो नए लड़के हैं। हाँ इनमें एक थीक्षणा के अलावा खराब फील्डर कौन है? नहीं बट आप जब द मोमेंट रहाने की चॉइस हो तो आप बोल दोगे ना कि रहाने को अगर आप एज अ बैटर खिलाना है, आप इनकी 11 इनके रहाने वैसे फील्डर अच्छे हैं, इनके पास एज वाइज हो जाए तो बात अलग है, रहाने फील्डिंग तो अच्छा करते हैं, गन स्लिप वगैरह में आपको जरूरत पड़े तो उनसे बेस्ट कोई है। बाकी इनकी चॉइसेस वही है, मोइन अली, आपके जडेजा, आपके एमएस धोनी, फिर आप दीपक चहर, और फिर इंपैक्ट में देखना होगा कि कौन है क्या है। सफाई यही है इनकी बैटिंग में, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इस बार ये शार्दुल को भी लेकर आ गए हैं, और ये दीपक की कोई दिक्कत हो तो शार्दुल। आपके यहाँ देखो तुषार देशपांडे हैं, दीपक चहर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, मुकेश चौधरी हैं, सिमरजीत हैं। मुकेश चौधरी, दीपक चहर एक जैसे नहीं हो जाएंगे? नहीं वो तो शार्दुल भी एक जैसे नहीं, मुकेश मुकेश खेलेंगे यार, बॉल अच्छे मुकेश तो नया बॉल। शार्दुल के साथ ये रहेगी बैटिंग, लेफ्ट राइट का भी हो गया, लेफ्ट राइट। हाँ और दूसरा फिर ये भी है ना कि दीपक चहर है हमेशा डोमेस्टिक में वाइड बॉल में अच्छा ही करते हैं वो, तो अब उन्होंने इनकी 11 ऑर्डर से नहीं बनेगी ना, इनके प्लेयर्स बता दिए सारे। आप तीन तक जो थे, फिर शिवम दुबे, तीन कौन था, रहाने, शिवम दुबे, शिवम दुबे, आपके मोइन अली, रविंद्र जडेजा, मोइन अली ऊपर भी खेल जाते हैं, चलो ठीक है, रविंद्र जडेजा जो धोनी का हाँ, करेगा, रविंद्र जडेजा, धोनी खुद खेलेंगे ना, हाँ महेंद्र सिंह धोनी, फिर एक इम्पैक्ट की चॉइस में आप समीर रिजवी रख लो अभी जो एज अ बैटिंग अगर उनको इस्तेमाल करना होगा, फिर आपके आगे दीपक चहर, रविंद्र जडेजा को डाला ना, डाल दिया जडेजा को, फिर आगे दीपक चहर वो भी अच्छी बैटिंग ऑप्शन हो गए, फिर आपके आते हैं जो बोलर्स में आपको तुषार देश पांडे हैं, मुकेश हैं, या फिर आपको ओवरसीज ऑप्शन ट्राई करना है तो आपको एक आधा ओवरसीज कम करना। एक मिनट, आपने अभी तक फॉरेन प्लेयर डाला है कॉनवे, मोइन अली स्लैश रचिन, हाँ ठीक है, फिर आपके नीचे सैंटनर थिक्षणा में से एक और एक फास्ट बोलर हो जाएगा, इनका दिक्कत नहीं है। फास्ट बोलर तो मुझे मुस्तफिजूर लग रहे हैं, वो एक वेरिएशन से रखेंगे, हालांकि जिस तरह से पथिराना से, अगेन पथिराना से धोनी वाज इंप्रेस्ड, तो पथिराना जैसे धोनी के स्टेबल से निकले इंटरनेशनल क्रिकेट में पिटाई, बट अगेन ही विल गो बैक टू द सेम स्टेबल। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी जो हम पहले कहते ना ये फॉर्म में चल रहे नहीं चल रहे, उसकी रिलेवेंस जरूरी नहीं है कि 100% हो, अगर वो सीएसके और पथिराना की जो पिटाई 50 ओवर में हुई, फॉर्म वापस सीएसके में ही आती है, T20 में तो 4 ओवर, बाकी जगहों पर फॉर्म कम ही आती है, चेन्नई में ही फॉर्म आती है, यूज कैसा करवाते हो ना। तो चेन्नई ने, और चेन्नई आप ये भी देखो, चेन्नई एमएस धोनी के बियॉन्ड का भी प्लान कर रही थी ना, कुशाग्रा है विकेट कीपर उनके लिए, अरावली अवनीश विकेट कीपर ऑप्शन, और इनकी बड़े इंप्रेसिव लोग इनसे हैं कि भाई अंडर 19 वगैरह और जिस तरीके की स्ट्रोक मेकिंग है, तो हाँ तो इन्होंने कीपर रखा हुआ है अपने पास कि भाई एक कीपर हमें देखना है, कौन में भले ही है। शार्दुल ठाकुर को तो भूल गए यार आप, शार्दुल के लिए चॉइस मुश्किल है ना 11 में, अभी जो हमने अभी देखे आप नहीं, मैं एक तो साथ पतिराना को बात, मैं वही बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि पतिराना तो खेले, इंडिया खेले, की इंडियन सकते मतलब आप चार, मतलब आप फॉरेन प्लेयर्स एज इन वो मुकेश की जगह शार्दुल खिलाना, किसको शार्दुल, मुकेश शार्दुल बाहर बिठाने के लिए थोड़ी रखे यार। अब हो सकता है जैसे अनिल सर कह रहे थे कि मे बी दीपक पर भी थोड़ा रहता है कि कुछ इंजरी वगैरह कुछ दिक्कत हो जाए, अभी तो आपको एज्यूम करना है यार, एवरीबॉडी इज अवेलेबल। हाँ नहीं कह रहा हूँ कि अब सारे, तो पहले मैच की टीम चुन रहे हो ना,
शार्दुल उसमें मुश्किल है। देखो शार्दुल की जो वाइड बॉल की परफॉर्मेंस देखो पिछले एक डेढ़ साल से वो थोड़ा गिरी है, जो टी ट्वेंटी में तो इंडिया की टीम में भी वो थोड़ा मुश्किल रहेगा मामला। दीपक चहर फिट हो जाए तो दीपक चहर ही होंगे, हमें वही कह रहा हूँ शार्दुल से पहले। हाँ दीपक चहर फर्स्ट चॉइस होंगे, बाकी तुषार देशपांडे अगली टीम कौन सी इनमें से किससे निकलवाते हैं वो अलग चीज है। अगली दीपक भाई की टीम, दीपक भाई मंच संभाले दिल्ली कैपिटल्स है बहुत सारे विकेट कीपर्स के साथ, क्योंकि एक विकेट कीपर हमारा एक विकेट कीपर नहीं था, पहले तो आपके पास था ही नहीं एक विकेट कीपर, सबको बटोर लिया। उससे बड़ी चीज एक विकेट कीपर जो हमारा कप्तान वो नहीं रहा इस अवेलेबल एक सीजन, तो इतनी जरूरत पड़ गई विकेट कीपर की। सीजन भी अवेलेबल है क्या? देखो हमारी ना प्लेइंग 11 मुझे लगता है सबसे ज्यादा सॉर्ट आउट होगी तो हमारी ही है, क्योंकि टॉप थ्री आपके अभी एज ऑफ नाउ क्लियर है जिनके साथ आप स्टार्ट करोगे। भाई पृथ्वी शाह के साथ आप जाओगे, जो परफॉर्मेंस आती है नहीं आती वो बात की बात है। डेविड वार्नर ये आपके, अगर ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे तो कप्तान डेविड वार्नर ही होंगे, और ऋषभ पंत एज अ इम्पैक्ट अब आगे पता चलेगा क्या डिसीजन आता है। तीन नंबर मिचेल मार्श, चलो पहले हम बनाते हैं विद ऋषभ पंत, ठीक है? तो फिर उसमें कप्तान डेविड वार्नर नहीं, मैं ऋषभ पंत को रखता हूँ टॉप थ्री जब भी सेम रहेगा। हाँ मतलब बोल रहा हूँ मैं बना रहा हूँ ना लीड कर रहा हूँ, तो ऋषभ पंत को कप्तान रखता हूँ, ऋषभ पंत कप्तानी मिल गई आपको, ठीक है? तीन पे मिचेल मार्श, चार पे ऋषभ पंत। अब पांच नंबर आपको खिलाना है तो दो आपके विदेशी प्लेयर हो गए सर, अभी चार प्लेयर हुए टॉप थ्री में, नाम तो बताओ चार। हाँ वही बता रहा हूँ, ऋषभ पंत को कप्तान अपॉइंट किया, पेस में भाग रहा है सर ऑब्वियसली। हाँ हालांकि मुश्किल है पृथ्वी शॉ दूसरा, आई मीन लुकिंग एट, चलो खैर आप पृथ्वी शॉ डेविड वार्नर और तीन नंबर मिचेल मार्श और चार नंबर ऋषभ पंत, मतलब कमाल की आपकी बैटिंग होगी। टॉप फोर तो ये अच्छे नजर आ रहे हैं, अमेजिंग। पिछले साल फिल शॉट था कि कभी मार्श नहीं आए, कभी फिल शॉट नहीं भी थे ना, वार्नर की चले गए शादी के लिए गए थे, वार्नर ने भी शुरुआत के बाद ही गए थे। अभी चार प्लेयर हो गए, चार हो गए अक्षर पटेल, और पिछली बार वार्नर की कप्तानी और उनकी बैटिंग पर भी सवाल था, बट नीचे से भी तो किसी ने कुछ, क्योंकि वो हां वो आउट हो जाते थे तो वो बचा के चार प्लेयर। अगेन क्वेश्चन मार्क इज ओवर पृथ्वी शॉ दिस ईयर, वही इज ही द सेम पृथ्वी शॉ, स्टार्ट इन्हीं से करेंगे लेकिन आगे कुछ पता नहीं पृथ्वी शॉ करते क्या है। स्टार्ट और उसके बाद चार ये हो गए अक्षर पटेल दीपक ने, हाँ बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हैरी ब्रुक्स ओपन कराएंगे फिर। नहीं 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 अभी मैं बता रहा हूँ सर, अगर ऋषभ पंत मेरी टीम लेट मी लिख, हाँ अभी साजिश कर रहे हैं हैरी ब्रुक को खिलाने की, आप सबसे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। नहीं 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 सर, चार नंबर ऋषभ पंत तो कप्तान और विकेट कीपर हो गए ना, तो फिर मुझे विकेट कीपर दूसरा थोड़ी खिलाना है, मैं विकेट कीपर भी मान के चल रहा हूं अभी ऋषभ पंत को। पांच नंबर हैरी ब्रुक, कहां दोनों चीजें अगर खेलेंगे भी तो एज मान के चल रहा ना, कप्तान भी मान के ही चला जाए भाई हैरी ब्रुक, तो पांच नंबर मान के गया, वो तो अनाउंस भी दोबारा, वो तो हर रोज वो कप्तान वही है। चलो पांच नंबर ऋषभ, पांच नंबर हैरी ब्रुक, ठीक है? अब अपने हो गए तीन विदेशी प्लेयर, क्योंकि तीन टॉप थ्री में आपको दो मिलेंगे और एक आपके हैरी ब्रुक आ गए। अब छह नंबर सर इसमें ये है कि आप इंडियन प्लेयर किसको देखेंगे, तो आप पैसा देकर लाए हैं, फॉरेन प्लेयर रह गया है ललित, क्या वो नोकिया है? हाँ। क्या वो लुंगी है? क्या वो सर फर्स्ट चॉइस नोकिया है, वही फर्स्ट चॉइस नोकिया। लेकिन इसमें एक चीज और आ गई ना, जो विकेट कीपर की विजय भाई आप बात कर रहे थे, हम कुमार कुशाग्र को आई थिंक 7 करोड़ के आसपास देके लाए हैं भाई, बैठाने के लिए तो लाए नहीं, तो आप छह नंबर में उनको एज ऑफ नाउ देखता हूं, नीचे बैटिंग भी करते हैं और विकेट कीपिंग वो करेंगे अगर ऋषभ पंत नहीं कर पाएंगे तो। हाँ विकेट कीपर नहीं, इंडियन विकेट कीपर में भी बात करें तो विकेट कीपर भी 15 रिकी भुई भी हैं, रिकी भुई हैं, फिर इसके अलावा चलो सात नंबर पे आ गए आपके अक्षर पटेल, तो छह पे मैं कुमार कुशाग्र को रख रहा हूँ, ठीक है? तो छह नहीं फ्लक्स उसमें हो सकता है ना, अक्षर और कुमार में यार ऊपर मैं T20 वर्ल्ड नहीं, अक्षर और कुशाग्र में हो सकता है ना ऊपर नीचे छह और सात, अक्षर और कुशाग्र में छह सात हो सकता है एज ऑफ नाउ अभी टीम सीट पे। बैट प्लेयर क्यों नहीं हो सकते तो अभी आपने कहा ना कि एक कैप्टन मान के चलो आप उनको, तो मैं नंबर दे रहा हूँ उनको चार पे, अदरवाइज मेरे अभी स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता वो कैप्टनसी करेंगे भी। अभी सात नंबर ये, आठ नंबर आपके कुलदीप यादव, फिर उसके बाद मुकेश कुमार आपके लिए भाई इंडिया खेल रहे हैं वो है ही नौ नंबर, नोकिया आपके 10 नंबर पे फिट है, कुमार को भी तो खिलाइए आप, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस अभी स्टार्टिंग में, एक पेसर मैं फिर सुमित कुमार को भी रखिए, एक मैं लेफ्ट आर्म पेसर खरील अहमद के साथ स्टार्टिंग में जा रहा हूँ सर, सुमित कुमार एक ब्रेक में आप हाँ मैं रखूंगा, नहीं नहीं ये नहीं रख रहे हैं, अरे तो स्टार्टिंग में मैं मैनेजमेंट मैं कुशाग्र की जगह रख सकते हैं आप, तो अरे यार आप मुझे ये बताइए नहीं करेंगे ना सुमित कुमार, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, इंपैक्ट प्लेयर भी तो आएंगे ना, मिचेल मार्श, मिचेल मार्श बॉल डालेंगे, हाँ बॉल डालेंगे, ऋषभ पंत,
हैरी ब्रुक, हैरी ब्रुक पांच, ठीक है ये पांच हो गए। आपने छह पे किसको रखा है? कुशाग्रह को, बिकॉज वो विकेट कीपिंग भी कर लेंगे अगर ऋषभ पंत नहीं करते हैं तो। सुमित कुमार, तो सुमित कुमार विकेट कीपिंग नहीं करेगा ना? सुमित के लिए छह नंबर, आई डोंट नो, हालांकि शायद सौरभ को, तो अक्षर को आप छह कर दीजिए, सुमित सात कर दीजिए, अक्षर पटेल छह नंबर, हाँ क्या बुरा कर लेते हैं सर, पिछली बार तो करी थी, नहीं करने को कर लेंगे। ललित यादव का क्या चल, ललित यादव का जो चलना था चल चुका, वो इम्पैक्ट दे रहे हैं कुछ, उतने ट्रेडमार्क इम्पैक्ट दे रहे हैं, बादल इम्पैक्ट भी हटवा दिया था ना। अच्छा चलो एक मिनट, आपने आपने कुशाग्र को अगर ले लिया छह और अक्षर हो गए सात, अक्षर सात, आठ पे कुलदीप सर, दस ग्यारह, मैं खलील के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ सर, एक लेफ्ट आर्म पेसर हो जाएगा मेरी टीम में, नौ दस ग्यारह, हाँ एक मुझे अब मैं आपकी बना रहा हूँ, कहाँ पे आपने कुशाग्र को रखा छह, हाँ अक्षर को रखा सात, सात यहाँ पे आठ में रखूंगा सुमित को, आप सुमित रख रहे हैं ठीक है, नौ दस ग्यारह आपके हैं कुलदीप, नौकी मुकेश, एक फास्ट बॉलर और चाहिए, खलील अहमद रख लेना, एक फास्ट बॉलर और चाहिए, खलील अहमद नहीं, लेकिन आप सुमित को कहाँ खिला रहे हैं सर, आठ पे सात या आठ, और नौ पे आपका कुलदीप, तो सर दो ही जरूरत पड़े ना, नहीं मैंने मुकेश और नौकिया ही तो पड़े, फिर ग्यारह हो गए ना टोटल, बारह प्लेयर चाहिए ना, बारह, अच्छा इम्पैक्ट मिला के, हाँ फिर सुमित को आप रख रहे हैं तो फिर ठीक है, द रीजन इज खलील या फिर कोई बैट्समैन में से, मुझे जो लगता है, जो मुझे लगता है कि आपने चार फास्ट बोलर, आई समहाउ हैव एन आइडिया, जिस तरह से ये सुमित के पीछे भागे हैं, हो सकता है इनको ये आठ नंबर नहीं सात नंबर ही बैटिंग मिले, और यश धुल का सर क्या करेगी, यश धुल की जगह नहीं है, जगह नहीं बनती, ऑल्टरनेट करेंगे, दोनों दोनों होंगे, राइटी भेजना लेफ्टी भेजना, भाई आप ये तो देख रहा होगा ना मैनेजमेंट आपका, क्यों लिया आपने उनको, वो बॉलिंग में कोई इतना ऐसा नहीं है, यहाँ पे नया बॉल तो नौकिया ने डालना है, सुमित का नया बॉल हिलता है, नया बॉल उनके साथ, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, खलील वैसे कभी कभी आते हैं, बट आपको आपको ये देखना होगा कि सुमित अगर क्या वो पुराना बॉल बीच में आके डाल दें। सेकेंडली, जिस तरह आई थिंक उन्होंने तमिलनाडु का अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती और नटराजन के खिलाफ रन बनाए 42, फिर फाइनल में वो नीचे, वो एक प्लेयर का टेम्परामेंट दिखाता है, फील्डर एक्सीलेंट, सुमित भी अभी पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं, हम इतनी जिम्मेदारी उन पे डाल देंगे, मुझे और कोई ऑप्शन दिख नहीं रही बारह में, अभी आएंगे वो कौन, नहीं आपका बारह में ऑप्शन कौन, नहीं बारहवा ऑप्शन जैसे सुमित लिया आपने ठीक है, वो आठ नंबर पर बैटिंग भी कर लेंगे, वहाँ नीचे आके बॉलर बड़े अच्छे हैं, नहीं मैंने मैंने अक्षर साथ रखे, मैंने आठ ही लिखे ना सर, क्योंकि अक्षर मेरे लिए सात है, अक्षर अक्षर थोड़ी उनके नीचे आएंगे, कुशाग्र जो है वो छह लिखा है उन्होंने, अक्षर बोलेंगे यार मेरे को वर्ल्ड टी20 खेलना है, टी20 वर्ल्ड कप, फ्रेंचाइजी जो है, फ्रेंचाइजी थोड़ी फिर उसने मतलब आपकी वो इंडिया गॉट टैलेंट खोला हुआ है क्या हो, तो उनकी बैटिंग में दिक्कत क्या है अक्षर पटेल, नहीं अक्षर तो कहेंगे फिर मैं चार खेल लेता हूँ, अक्षर ने मैचेस निकाल के दिए थे, आप लोगों को याद होगा अक्षर पटेल, अरे तो ओपन करवा दे अक्षर पटेल से यार मनोज भाई, ओपन फिर पृथ्वी शॉ की जगह ओपन करा देते हैं, इतना अच्छा बैटिंग करते हैं, तो वो टीम इंडिया ने भी नंबर चार गलत भेजा था, बट आई थिंक यार नहीं, मुझे पर्सनली लगता है बहुत अच्छी बैटिंग की है पिछले साल, लेकिन मैं छह से तो ऊपर नहीं भेजूंगा अक्षर पटेल को, छह तो खिला दो, हाँ तो बताया ना कुशाग्र और अक्षर में हो सकता है फ्लक्चुएट ऊपर, कुशाग्र का मुझे मुझे बहुत ज्यादा, मैंने वाइड बॉल में उनका उस तरीके, बट हाँ रेड बॉल में टेम्परमेंट वाइज, करोड़ देके आप किसी प्लेयर को लाए हो कुछ तो देखा होगा, देखो आपको ये भी हो सकता है ना कि एक यंगस्टर प्लस आपने जो देखा ही भाई कीपर नहीं है हमारे पास, कीपर बहुत सारे अब हमारे पास, इवन इंडिया में भी आप देखोगे, कुशाग्र से पहले हम रिकी भुई ले चुके थे, बट वो शायद आपने ऑप्शन रखा हो कि भाई कोई ना हो, तो मुझे लगता है सात करोड़ जब आप देते हो तो आप किसी सोच के साथ ही देते हो, ऐसे नहीं ऑप्शन में कि आपने बढ़ा दिया, छठे नंबर में बैटिंग कराया कि सातवें नंबर पे कराया, क्या पता सर, क्या पता अक्षय पटेल को आप पांचवें नंबर में बैटिंग करा सकते हो यार, नहीं कर रही है क्या चीज, अरे हैदराबाद को लेकर एकदम किसी भी क्या फर्क पड़ता है छठे पे करा, अगर देखो नहीं व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि आप ऑन अ पर्टिकुलर डे छह पे खिला दो, ऑन अ पर्टिकुलर डे छह पे, साथ में बात कर रहे हैं कुमार कुशाग्र को आपने इतने पैसे देकर खरीदे हैं तो कुछ तो देखा होगा, लेकिन कुशाग्र और अक्षर पटेल में जमीन आसमान का फर्क है, और इनका लॉजिक है कि कुशाग्र छह नंबर होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी से भी पूछेंगे अक्षर पटेल छह से नीचे नहीं सर, स्पेशली कुशाग्र से तो नीचे नहीं आते, नहीं नहीं जमीन आसमान का फर्क है, अभी देखा नहीं है ना, नहीं नहीं एक सेकंड मेरा, जमीन जमीन आसमान का फर्क होता है, मैं बस एक जवाब दे दूं कि जमीन आसमान का जो फर्क होता है ना सर, वो गेम खेलने पे देखने पे पड़ेगा, आप खलील से पहले, आज खलील आए हैं, सुमित कुमार भी हैं, आप खलील से पहले सुमित को रख रहे हो ना, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस उनका, मैं नहीं रख रहा हूँ,
मैं खलील को रखूंगा भाई। तो फिर सुमित क्यों लाए हो? राहुल तो बनाओ यार, खलील और सुमित दोनों खेल रहे हैं। तो फिर सर फिर नाम पे एसआर, नाम पे एसआरएच ने रखे थे ना, नाम पे रखे थे ना एसआरएच ने पिछले साल। मैनेजमेंट का हिस्सा है, मेरा आपसे सवाल है। हम आउटसाइडर हैं, ठीक है। चलो आप सबसे पूछता हूँ, आज की डेट में अगर सिर्फ बैट्समैन चुनना है आपको टी ट्वेंटी में, आप जडेजा को चुनोगे या अक्षर को चुनोगे? सिर्फ बैट्समैन रविंद्र जडेजा कहाँ बैटिंग कर रहे हैं इंडिया के लिए टी ट्वेंटी में? इंडिया के लिए सात नंबर, सात नंबर। अक्षर को आप उनसे बेहतर मानते हैं? अक्षर इंडिया के लिए खेलेंगे, वो भी साथ ही खेलेंगे। खेलेंगे ना, अगर जडेजा की जगह अक्षर खेले तो साथ ही खेलेंगे। और जडेजा उनके, राहुल पता क्या होता है? नहीं नहीं, एक बात, आईपीएल टीम के लिए कहाँ खेल रहे हैं जडेजा? आप लगा रहे हो टांका, जो टांका जो कोलकाता में लगा, टांका जो पंजाब को लगाना पड़ा, टांका दिल्ली को भी लगाना पड़ा। अब सर इसमें जो पंजाब के हमने डिस्कस किया, अक्षर पटेल आज ऑन गिवन, एक चीज ये भी आ जाती है ना कि आप नहीं नहीं आप जो कागज पे चार नंबर पे खेला हुआ है रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने इंडिया के लिए, कुशाग्रा आपने खिलाया था, ये कैसी बात कर रहे हो? कुशाग्रा भी लंबी बार में यार, चेतन शर्मा तीन नंबर पे सौ बनाया हुआ है वनडे में, आपको मालूम है किसी को? वो भी नेहरू कप में करवाइए अक्षर पटेल नंबर 6, 6 नंबर, अक्षर पटेल 6, अक्षर पटेल 6 या 7, अक्षर पटेल 6 या 7 नंबर, 6 या 7 नंबर, आपको नंबर देना 6 या 7, 6 लिख दीजिए या 7 लिख दीजिए, पोल करा दो ना, पोल करा दो। अभी आप देखिए स्पेशली जब कुशाग्रा के साथ आप बैठे हो, वहां पे कुशाग्रा से कम सर इंडियन प्लेयर हैं, इतने समय से खेल रहे हैं, आप अक्षर पटेल को देख रहे हैं, तो फिर आप अक्षर पटेल को वोटिंग में आ जाएगा। दूसरी चीज जडेजा के साथ जो कंपैरिजन होता है, जडेजा सर एक क्रूशियल नॉक, आप आखिरी आते हैं फाइनल में भाई, 10 रन चाहिए दो बॉल पे, जडेजा ने कर दिया ना फिनिश भाई, बड़े मैच में कर आए ना। आज आप पेपर पे जज कर लो, जडेजा बड़े हैं, अक्षर पटेल बड़े हैं, शार्दुल ठाकुर बड़े हैं, दीपक चहर बड़े, जिसको कर लो जज, बाहर से भी ले आओ प्लेयर, लेकिन फैक्ट यह है कि भाई जडेजा ने आपको फाइनल जिता दिया अहम टाइम पे, चार नंबर पर शिवम दुबे खेलते थे ना, फंस गए थे वो। अब जडेजा तो सीएसके छोड़ेंगे नहीं यहां पे आने के लिए, आपको तो अक्षर पटेल से ही खेलना है ना। नहीं लेकिन हमारे पास चॉइस है ना, हमें जडेजा बुलाने के लिए ना, इसको चलो इसको रिजॉल्व करते हैं, क्यों बुलाने? एक मिनट, अक्षर 6 हां 7 कौन? कुशाग्र। ओ यार इतनी देर में इस चीज के लिए लड़ रहे हो? यही तो सर, मैंने पहले ही बोल चुका कि मैं फ्लक्चुएट, सर हम बोल रहे हैं कि 6 7 में कर सकते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं था, काम का मुद्दा अंडर द टेबल नहीं सर, इन्होंने सर दीपक ने पहले ही कहा 6-7 पे कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्चुएट करा लेंगे, पर नहीं जबरदस्ती जबरदस्ती घुमा के वहाँ पे जलेबी बीच में लाके खड़ा कर दिया। अगर फिर शायद भी हो सकता है कि सिर्फ कीपिंग टाइप की बैटिंग है, बहुत ही नौबत आ गई यार भाई, कुशाग्रा उस रोल के लिए नीचे बैटिंग जो हम कह रहे हैं टेस्ट मतलब रेड बॉल वाली क्रिकेट या फिर वनडे वाली क्रिकेट वहाँ पर खेलते हैं, तो टीम आप सबकी वही टी ट्वेंटी में छक्के मारने वाली है, पब्लिक का दम। ट्रिस्टन स्टब्स को क्यों नहीं खिला लेते हो? फिनिशर फिर वो हैरी ब्रुक की जगह खिलाएंगे ना, विदेशी प्लेयर है हमारा मसला, पांच कहां से खिलाएंगे आप? फिर देखो डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श होगा, ठीक है, क्या है नहीं मैं हैरी ब्रुक की ऐसे बैटिंग वाइज बैटिंग कैपेबिलिटी तो ज्यादा ट्रस्ट करूंगा, 62% मैंने क्या कहा वोटिंग में तो आप आएंगे ही, वोटिंग से अगर सब कुछ तय होता तो फिर बहुत चीजें तय हो जाती है। वोटिंग आ रही है, वोटिंग है कुछ तो वोटिंग से ऑक्शन करवा दें यार, देखो आप करवा दे वोटिंग से प्लेयर, देखो जो भी है अक्षर पटेल को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि अक्षर पटेल ने वाइड, यार मनोज भाई मेरी बात नहीं समझ रहा, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा 6-7 कोई भी खेल सकता है, 6-7 कोई भी, यही तो कहा ना, मैं एज ऑफ नाउ कुशाग्र को रख रहा हूँ, कुशाग्र का देखा क्या है यार? देखा कुछ नहीं है मैंने, देखो क्या देखा ऐसा क्या बोल रहे हो नंबर, मैं वही कह रहा हूँ आज मैं बोलूँ कि भाई इनमें इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं बोलूँ समीर रिजवी में सीएसके ने क्या नंबर 3 यार, लेकिन समीर रिजवी बैठे भी तो नहीं रहेंगे ना, आप 8-9 करोड़ उनको लाते हो तो आप एक सवाल करोगे ना कि यार समीर रिजवी को खिला क्यों नहीं, मैंने क्या कहा कि समीर रिजवी एज एन इम्पैक्ट है सीएसके में, यार अब एक बार बताओ ऐसे तो मैंने देखा किसी में नहीं है, फिर यश धुल को मैं 2 साल से
लेके चल रहा हूँ तो मैं कल को बोल सकता हूँ ना फिर यश दुल को नंबर चार खिला दो। नहीं, यश दुल की बैटिंग देखिए भाई, खिलाने पड़ेंगे ना आपको प्लेयर कुशाग्र। अगर आप 7-8 करोड़ में लाए हो तो नहीं देखेंगे यार मनोज भाई, बात पैसे की भी बहुत हो जाती है ना। आप अगर किसी को लेकर आए हो पैसा दोगे ना, रिचर्डसन को भी पैसा दिया होगा ठीक ठाक 5-6 करोड़ दिए। हाँ तो जय रिचर्डसन हमारे एनरिक नोकिया के रिप्लेसमेंट हो जाएंगे ना, तो वो चलो ठीक है मान गए। ठीक है ये आपने बनाई उनकी, ठीक है आपने 6-7 प्लेयर बनाए। अब मुझे बताइए दीपक ऋषभ पंत बाहर हो गए ना इस टीम से, 11 से नहीं खेलते कोई मैच, तब क्या करोगे? नहीं ऋषभ पंत अब जैसे हम 4 खिला रहे थे ना, तो ऋषभ पंत की जगह इंडियन प्लेयर लाएंगे। और कौन बता रहे ना आपको? हाँ, अब उसमें क्या हो जाएगा कि विकेट कीपर हमें फिर ट्रिस्टन स्टब्स के साथ जाना पड़ेगा और वहां कुमार कुशाग्र हट जाएंगे। पैसा अपनी जगह ब्रूक भी हट जाएंगे क्योंकि आपका 4 और 5 हाँ, खाली हो। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरी टीम बिल्कुल ही फन है खाए कि मतलब सब कुछ बेस्ट है। स्टब्स लाइव आप 6 के लिए 4-5 खाली हो गया। हाँ, तो ये सिचुएशन है। और आप अक्षर पटेल, हाँ अब कुमार वर्मा को जैसे मौका मिला था बाहुबली में, वैसे ही अक्षर पटेल को मौका मिलेगा अपनी ताकत दिखाने का। अभी जो वोटिंग कर रहे थे 62, अब वो कर दो 72-82, ठीक है आप समझो सिचुएशन। तो अब अक्षर पटेल को पूरा मौका है, आप इंडिया के लिए जाके वहां पर ऑडिशन दो, आप बीबीएल का दो, आप एमबीएल का दो, आप खेलो, आप 5 नंबर। अक्षर बोलेंगे कि सर हमें और बॉल चाहिए, तो 4 भी भेज देंगे अक्षर को। तो ये है दिल्ली की। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सॉर्ट आउट है, दिल्ली वही फंसेगी जहाँ पिछले साल फंस रही थी, ये फैक्ट है। कुमार वर्मा बीच में खाली है उनका। कुमार वर्मा बातें करते हैं बड़ी बड़ी और जब नहीं उनको मार दिया जाता है, उनको बिज्जल जी ने उनको फंसा लिया था। उनमें ये रहता है कि वो फिर सैक्रिफाइस बड़ी टीम यार अनिल सर की टीम पे आओ हैदराबाद दिल्ली नहीं, इसका क्या हुआ फिर सर? दिल्ली का सच बताऊं प्रॉब्लम जो लास्ट ईयर थी आज भी वही है। दिल्ली ने कुछ अचीव नहीं किया, दिल्ली लास्ट ईयर जिस चीज के लिए जूझ रहा था आज भी वही जूझेगा। सर का चेहरा देखिए सर, अंदर अंदर कुछ बोल रहे हैं आपको, आप बता दीजिए अंदर अंदर ये भी बोल सकते हैं वाह यार क्या बात कर रही है सर। हैदराबाद की टीम बनाए दिल्ली में अभी आपको थोड़ा सा मतलब वही है बैटिंग तो इनकी पिछले साल भी ऐसी। जय हमारे जज है, जय कैसा लगा इनका दिल्ली का जो प्रेजेंटेशन दिन होते थी? वही तो मैं कह रहा हूँ बीच में कुछ पता ही नहीं है, खिचड़ी सी बोल रहा हूँ कुछ नहीं। दिल्ली में मिडिल ऑर्डर वही है, बनाइए जय की टीम। नहीं नहीं पहले हैदराबाद, हैदराबाद अनिल सर की हैदराबाद टीम, हैदराबाद उनकी टीम भी अभी बनाए। नहीं नहीं अनिल की तैयार होगी टीम। स्वास्तिक चिकारा जो दिल्ली ने और लिए टॉप ऑर्डर ऑप्शन, सुमित कुमार ऑलराउंड ऑप्शन, कुमार कुशाग्रा स्पीक्स टू काव्य कि कोई बहस नहीं करेगा मुझसे। नहीं पहले ही बता दूं कि हमारी टीम अगर खेल गई तो फिर है वो अर्श पे अपने दम पे, जो अगर दम है सौरभ जो अनिल ने जिधर भी कर दी 7:30 बजे पहुंच गई, 7 बजे अगर पहुंच गए। ये मोटिवेशनल टॉक्स नहीं चाहिए, टीम बताओ। बता रहा हूं मोटिवेशनल टॉक नहीं कर रहा हूं। हैदराबाद इज अ वेरी गुड टीम दिस ईयर, फैक्ट बता रहा हूं। आई थिंक सबसे जस्ट लाइक लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आल्सो जस्ट लाइक लास्ट ईयर। अगर मुंबई से बढ़िया नहीं होगी हैदराबाद आईपीएल से, सब ये ऑक्शन में सबसे स्मार्ट अगर कोई आया और राज करके चला गया वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस चैंपियन बनने वाली टीम बना गया, बना गया वही वो ऑलरेडी मुंबई इंडियंस। आपको क्या माइक ड्रॉप करके चला गया कि आ जाना 30 सेकंड, ठीक है ना आ जाना 22 मार्च को। तो हमारी टीम अगर खेल गई फर्स्ट पे, नहीं तो फर्स्ट पे रहने की तो उसको आदत ही है। 11 तो बताओ नंबर 1 फर्स्ट पे रहने की आदत है, दिखा दीजिए सर। जिस बंदे ने बड़े मैचेस में अपने देश को जिताया है, सेमीफाइनल फाइनल एंड देन डब्ल्यूटीसी फाइनल, वो नंबर 1। इनकी इमोशनल प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, हेड नंबर 1। दो नंबर पे हेड ओवर हार्ट, दो नंबर पे उनके साथ हमें छोटा खिलाड़ी भेजते हैं अभिषेक, छोटा उनके मुकाबले छोटा पॉकेट जिताने वाला स्मार्ट प्लेयर, जितने वो मैचेस खेल चुके हैं ठीक है। 3 नंबर पे आते हैं हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, आइदर त्रिपाठी आएंगे या फिर हम मयंक को भी भेज सकते हैं। आप बनाओ ना, फिलहाल मैं बना रहा हूं राहुल त्रिपाठी को रख रहा हूं नंबर 3 पे, ठीक है। ये अर्श वाली टीम कहां से होगी? अब क्या करें यार, इंडिया खेल रहे राहुल तीसरे नंबर सर, यहां पे टेबल पे शाबाशी मिल रही है अर्श पे। नहीं फिर 4-5 इनके तगड़े प्लेयर आ रहे हैं ना, नहीं अर्श पे इसलिए 5 और 6-4 इनका माकरम होगा सर, पांच होगा क्लासिंग ठीक है। 5 नंबर आप 3 पे खिलाओ ना माकरम को, नहीं क्यों ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि आपकी टीम कितना क्वालिफाई करेगी, क्लासिंग
चैंपियन बन सकते हैं। नहीं नहीं, तीन पे आप माकरम को खिला लो ना यार, आपको अपने प्लेस पे खेलते तो हैं अपने तीन पे, किसी और नीचे क्या कर सकते हैं? नहीं मतलब चेन्नई की टीम है तो उसके पास ऊपर नीचे करने की सारी आजादी है, करते हैं ठीक है तो ये भी कर लेंगे। आप फिर अपने जीटी को नाराज हो रहे हैं, बेस्ट कोर्स का तवाकी क्या चार डालना है, पांचवें नंबर पे हो गए हमारे क्लास है, छठे नंबर पे शाबाज ठीक है, पांच पे हो गए, तीन पे खिलाओ माकरम को ठीक है। अगर आप इतने चाहते हो, जब वहां पे कुशागर और अक्षर के बीच छह सात में फंसे थे तो मैं यहाँ पे कहने पे माकरम को ऊपर कर दिया, राहुल को नीचे कर दिया, ओके ऑल राइट, राहुल त्रिपाठी को चार नंबर खिला, क्या करूं मैं, किसको लेके आऊं, नहीं है आपने तो नहीं है इसीलिए, क्यों नहीं है, शाबाज सात नंबर हो गए जी, जो हमारी टीम के कप्तान भी होंगे पैट कमिंस, अच्छा पैट कमिंस हमारी टीम के कप्तान भी होंगे और ये हमें इस बात की लग्जरी देंगे कि क्या हम माकरम को जरूरत पड़ने के हिसाब से हटा के फिर अच्छा कैप्टन आपने पैट कमिंस को बना दिया, कैप्टन हो सकता है अगर माकरम को आप हटाने का सोच रहे हो, बट सर पैट कमिंस लग्जरी देगी कि हम यार ऋषभ सिर पे तलवार रहेगी एक बीच मैच में, एक सुन लो लॉजिक सुन लो, तीन नंबर माकरम, चार कौन है, चार नंबर फिर राहुल को ले आया इनके कहने पे, तो राहुल तीन नंबर के लिए मेरे कहने पे, जिस मेरे कहने पे माकरम को तीन खिलाओ, राहुल को कहने पे यार इट इज हिज टीम यार, उनको मैंने अपनी टीम देने दो ना, मतलब राहुल त्रिपाठी चार थोड़ी खेल सकते हैं, नहीं नहीं मैंने एक बात बोली, एक बात बोली राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल टीम से बाहर है, उनसे पूछ रहे हो उनकी टीम में 8 करोड़ में लिया था पहले लेवल में रखता हूं, मैंने कहा कि एक्चुअली यार हेड और अभिषेक पर हेड और मयंक भी हो सकते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, एसआरएच करेगा वही होगा भाई, जब मैंने उल्टा ही करेगा क्योंकि राइट लेफ्ट भी वो सोचेंगे, मैं अपनी टीम उतना सोचना नहीं चाहिए, अभिषेक को खिलाना चाहिए, सुनो पैट कमिंस हमें लग्जरी देंगे माकरम को ड्रॉप करने का, क्यों पता क्यों यार, माकरम को ड्रॉप करने की सोच रहे हो आप, लग्जरी क्योंकि अगर हमें बॉलिंग में जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि अगर वो कप्तान होंगे, अगर माकरम कप्तान होंगे तो ड्रॉप होंगे नहीं, माकरम अगर कप्तान होंगे तो ड्रॉप होंगे नहीं, कमिंस कप्तान होंगे तो उनको जरूरत के हिसाब से आप बेंच कर सकते हो, जिसको कमिंस को है माकरम को, माकरम को क्योंकि माकरम अगर की जरूरत आपको यंगसन की अगर जरूरत पड़ती है, आपको मार्को यंगसन की अगर जरूरत पड़ती है, माकरम तो इनके बड़े प्लेयर है, माकरम तो सर मैच विनर है, माकरम और ट्रैविसन, बल्कि उल्टा हो सकता है, हो सकता है आपको पैट कमिंस को बैठाना पड़ जाए, अगर छिदाई हो जाएगी तो कर सकते हैं, उल्टा पैट कमिंस पहले बाहर होने वाले खिलाड़ी होंगे, माकरम मैच विनर है, उसको मतलब किसी टीम में पूरे 14 मैच, पिछले सीजन दो ही तो प्लेयर चले थे इनके, क्लासन और माकरम वाला हो रहा है, 8 नंबर पे बात है, मतलब ऐसे ही लोग टीम तो बनाने दो यार, ऐसे ही लोग बैठ के एसआरएच की टीम बनाते हैं, कभी हारते हो टीम नहीं, हम ऐसे लोग जिता देंगे जो पिछले साल बना रहे थे ना, माकरम बॉल भी डालता है, बन के बैठे हुए थे, माकरम बाहर कैसे हो, माकरम तो मैच विनर प्लेयर है, लाए आप इसलिए बता रहा हूं, ये तो जिता के भी आए थे ना पिछले साल ये साउथ अफ्रीका की फ्रेंचाइजी को, 9 नंबर भुवनेश्वर, 10 नंबर नटराजन, अभी तो वॉशिंगटन सुंदर आए, 8 नंबर आ गए, इसलिए आए ना, फिर ठीक है, अब मैं 11 यार शाबाज से ऊपर बैटिंग करा दो सुंदर को, शाबाज है आपकी टीम में, 11 का मैं पार करने रखो, कितने स्पिनर, अरे 12 प्लेयर रखोगे ना, बाय द वे इनके जो ये को रख रहा हूं 12 इंपैक्ट प्लेयर पिछली बार वही थे, अब सुनिए स्काउटिंग हेड आए हैं यहाँ पर जो इनके यार इज नॉट, नहीं नहीं इज गॉट अ गुड, दूसरा देखो आपके पास भले ही प्रोवाइडेड ही, ये जो झतावेद सुब्रमण्यम जी हैं हांगकांग के एक पहले खिलाड़ी रहे थे हाँ, और इनको लक्ष्मण शिवरामकृष्णन जी कर रहे हैं, वो रिस्क स्पिनर हैं एक मतलब ऑप्शन वाइज, तो जो इनके पास मयंक मार्कंडे हैं शायद में भी, और मतलब जो मतलब मैंने बहुत ज्यादा इनकी गेंदबाजी देखनी है, बोल रहे हैं कि रवि बिश्नोई टाइप एक्शन और उस तरीके की चीजें, तो वो भी शायद आप खिलाओ, वो हांगकांग से ऐसे एक वक्त पर अंशुमन रथ ने भी स्विच मारा था और यहाँ पर इंडिया में डोमेस्टिक मूव कर गए, टीएनपीएल खेलना शुरू कर दिया, मतलब हांगकांग आपको एक ऑप्शन दूं, अगेन ये अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हेड टेल ये मयंक के साथ जाएंगे, चलो आपने अभिषेक लिख दिया, तीन नंबर खिलाओ अनमोल प्रीत सिंह को, आपने उनकी बैटिंग देखी थी, पंजाब इस साल जो मुश्ताक अली जीता है, नहीं पिछले साल आईपीएल में भी उन्होंने, इन्होंने जो बैटिंग की है ना इस साल, चार नंबर रखो आपका माकरम, सॉरी मतलब मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी के लिए, फिर आओ क्लासन, ठीक है फिर आओ क्लासन, ये पांच आपके पटाखा बैट्समैन होंगे, अब चाहिए एक छेवा बैट्समैन, वो कौन है, शाबाज, शाबाज शाबाज के लिए भी छे इज टू अर्ली, फिर तो छे पे आप किसी को नहीं खिला पाओगे, उनको आरसीबी ने तीन नंबर भी खिलाया है सर, तो निकाला क्यों फिर, तो
उनकी सर 6-7 किसी भी टीम पे आपको परफेक्ट नहीं मिलने वाला। 6-7 ये कि अगर आपको इम्पैक्ट में यूज करना है अब्दुल समद, चलो ही कह रहा हूँ, चलो मैंने लिख दिया शाहबाज, मैं तो शाहबाज से बेटर सुंदर को बोलूंगा। तो बैटिंग कर रहे तो अब्दुल समद बिल्कुल, हाँ और बैटिंग में शाहबाज से बेटर सुंदर को कराऊंगा। एक मिनट, 6 नंबर हो गया अब्दुल समद, सुंदर अब्दुल समद का इस साल रन नहीं है, सो मच सो विजय हजारे में J&K हैड टू ड्रॉप, बट अगेन दैट मे और मे नॉट मैटर। अब्दुल समद के बाद आ गया शाहबाज बैटिंग में, तुम्हें सुंदर और आ गया सुंदर, सुंदर पहले, सुंदर पहले बैटिंग, और यार कभी शाहबाज ऊपर या सुंदर, नहीं नहीं सुंदर बैटिंग में, मैं पर्सनली सुंदर इज अ गुड बैट्समैन, पर सुंदर और शाहबाज मैंने लिख दिए। सुंदर की सिक्स हिटिंग भी उन्होंने डेवलप किया है, को अगर आप बैटिंग 8 नंबर पे कराओगे तो 11 में उनकी जगह बनने नहीं बनने, वो बॉल तो कराएंगे ना, क्योंकि उन्होंने बॉल दो तीन ओवर देंगे वो, अगर ये ट्रेड करके भी लाए कुछ। चलो ठीक है, यहां हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 बैट, आप मुझे 4 दे दो कमिंस पैट, इवन हो सकता है कमिंस सुंदर और इनसे पहले आ जाए बैटिंग के लिए, प्ले पैट 9 भुवी नटराजन, भुवी मार्कंडे नहीं होंगे, हाँ एक और चाहिए होगा ना, भुवी नटराजन और मार्कंडे, या फिर इनके जो आए हैं सुब्रमण्यम जी, ये आगे ये आपकी टीम बन गई। ठीक है सर, खुश हो, कोई इतराज आप लोगों को टीम में नहीं रख रहे हैं, अनमोल प्रीति का आपने अपनी टीम में अनमोल को नहीं रख रहे हैं, राहुल त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, एडन माकरम को भी तो नहीं रखा है यार, माकरम अनिल से यार कहां पे किस जगह पे आपको मैं उनकी बैटिंग था, चौथे नंबर पे माकरम लिखा हुआ है कि नहीं, माकरम जो बैटिंग करता है ना, पैट कमिंस खेलेंगे तो उनको लग्जरी, अरे आपको हमने एक विकल्प दिया कि अगर आपको अपनी बॉलिंग को फर्दर वो बेहतर करनी है, मार्को एंसन को, अगर मार्को एंसन को आपको लाना है तो किसको आप सर देखो हेड का दोगे, नहीं ना आप क्या पैट कमिंस का दोगे, मेरे हिसाब से तो नहीं, आप क्या फिर क्लासिंग कह दोगे तो विकेट कीपर किसको लाओगे, अच्छी टीम दिख रही है, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो देन माकरम ही ड्रॉप हो सकते हैं उसमें, अगर मार्को यांसन को लाना है तो माकरम ही ड्रॉप हो सकते हैं, और कोई ड्रॉप होने का विकेट कीपर क्लासिंग नहीं है। देखो लेकिन इसमें होगा क्या, मैं आपको बता दूं, मयंक अग्रवाल खेलेंगे ट्रेविस हेड के साथ एज ओपनर, 3 नंबर आपके आएंगे राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा को एज यूजुअल ये जोयो बना देंगे, कभी कभी कुछ कभी कुछ, अभिषेक को या तो 6 नंबर खिलाएंगे शाहबाज, पर अभिषेक इनकी मतलब मैं इस फ्रेंचाइजी में अगर होता अभिषेक को मैं ओपन नहीं कराता और उनसे बॉल भी करवाता जरूरत पड़ने पर। चलो ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, अगली टीम इंडिया के प्लेयर बनाने जय भाई की लखनऊ, वक्फे आधे उस पे पहुंचे, जय भाई की लखनऊ के पास चलते हैं, मेरी टीम तो बनी बनाई है, बस बताइए जय भाई की लखनऊ के पास राहुल, चलो लिखो क्विंटन डिकॉक, क्या केएल राहुल क्विंटन डिकॉक कहां पे मिडिल ऑर्डर नहीं, ओपन अगर मिडिल, राहुल ने बोला मैं यार मिडिल ऑर्डर खेलूंगा, बट फिर वही है ना फ्रेंच, अगर उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाना तो 3 नंबर खेलेंगे, अच्छा केएल राहुल फ्रेंचाइजी बड़ी है, फैसला तो केएल राहुल ले रहे हैं ना, अरे केएल राहुल को अगर फैसला यार फिर भाई इंडिया गॉट टैलेंट वाली बात कर रहे हो यार धीरज भाई, ऐसे मन से चलेगा क्या, अगर उनको बीच में भी खेलना है तो 3 नंबर खेलेंगे या 4 नंबर खेलेंगे, 3 नंबर में उनको अगर वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं वो बीच में नहीं गिना जाएगा, इंडिया अगर उनको वर्ल्ड T20 तैयार कर रहा है 5 नंबर खेलेंगे तो 5 नंबर T20 क्रिकेट में केएल राहुल को कोई नहीं खिलाएगा मुझे नहीं लगता, तो आप क्या कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजी जो है 1-2-3 अपना सोचे या उनका सोचे, अपना ही सोचेगी, मैनचेस्टर में मारा था तो चलो राहुल तब के राहुल राहुल में जमीन आसमान का अंतर भी है ना, नहीं यार वहाँ भी वेस्ट इंडीज का जो मिडिल ऑर्डर में मारा था याद होगा 110 रन कर दोगे आईपीएल में उसको, पर अब यार द काइंड ऑफ फॉर्म दैट ही वाज इन, और पडिकल जिस तरह के फॉर्म में है, किस तरह की में है मतलब अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में तो जिस तरह क्रिकेट खेले पडिकल को आप डालोगे ट्रेड करके भी 3 नंबर पे 3 नंबर उसके नीचे फिर उनकी जगह नहीं बनेगी, दीपक हुड्डा ज्यादा अच्छी फॉर्म में है भाई, नहीं 480 रन अभी बनाए हुए पडिकल के, दीपक हुड्डा ने 4 पे मारा है 4 नंबर हुड्डा है 4 में कह रहा हूं ना, कुणाल पांड्या भी है ना इस टीम में, इसीलिए कुणाल पांड्या मुंबई इंडियंस वाली पोजीशन पे खेलेंगे 7 नंबर पे, नीचे फिर स्टॉइनिस भी है नीचे आपके पास, आपके 5 और 6 स्टॉइनिस हो गए पूरन हो गए 7 कुणाल, नहीं नहीं 1 मिनट तो 4 आप यार क्या टीम बना रहे हो आप, 4 नंबर तो आपके निकोलस पूरन को हैज टू प्ले यार, 5 खेलना चाहिए स्टॉइनिस ही खिलाते हैं सर, स्टॉइनिस को ऊपर भेजते हैं और हुडा को 6 करो आप ऊपर खिलाइए, आपकी टीम आपकी टीम देखो क्या टीम है यार, हां तो केएल राहुल को ऊपर ही करेंगे ना, देवदत्त पडिकल निकोलस पूरन मार्कस स्टॉइनिस दीपक हुडा 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 उसके बाद वही तो मैं कह रहा हूं, अब आगे वो अपना कृणाल हैं कृणाल 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 बडोनी अब नहीं, अब बहुत नीचे सर
कृणाल हो गए 7 नंबर, 8 नंबर पे अगर इम्पैक्ट में बैटिंग हुई तो बडोनी खेलेंगे या फिर यश ठाकुर खेलेंगे, तो मैं बडोनी लिख देता हूँ ना। हाँ, बडोनी यश ठाकुर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे 4 बॉलर बता दीजिए, माकवुड या नवीन उलक, नवीन वैसे अच्छी फॉर्म में है, या वुड, रवि बिश्नोई हो गए। हाँ, उसके बाद एक बॉलर बच गया, मोहसिन को खिला लो, मावी को खिला लो, जो फिट हो। यश ठाकुर तो इम्पैक्ट में रहेंगे ना, बिश्नोई कुणाल, मोहसिन खेलेंगे पहले, पहले मोहसिन खेलेंगे, अगर फॉर्म इधर उधर होती है तो फिर मावी को खिला लो आप, ऑप्शन और भी है, युधवीर चरक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक प्लेयर और चाहिए। मैंने यश ठाकुर का इम्पैक्ट में डाल दिया ना आपने, बडोनी के इम्पैक्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 12 हो गए। इस टीम के पास अच्छी टीम है, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ है, सब कुछ है, बस ये आपकी टीम है। अब सवाल है कि केएल राहुल ने बोला है कि मैं इंडिया वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, केएल राहुल अगर मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं तो पडिकल ओपन कर देंगे, फ्रेंचाइजी मानेगा, मेरा सवाल ये है। अब वो माने ना माने, मैं एक ऑप्शन वो भी दे रहा हूँ कि पडिकल ओपन कर देंगे क्विंटन डिकॉक के साथ। हाँ। आपका हुडा 3 नंबर हो जाएंगे, 4 नंबर पे केएल राहुल खेल जाए। मंच संचालक धीरज जी, आरसीबी मेरा आ गया, आपकी साइनिंग पक्की है, सबसे मजबूत टीम चाहते हैं आरसीबी। सबसे पहली बात तो इन्होंने ऑक्शन में कुछ अच्छा नहीं किया, क्या बात कर रहे हो यार, कुछ नहीं, मैं सीधी बात, ऑक्शन में कुछ अच्छा नहीं किया ऐसी, हालांकि वो है कि उनके जो आपके फेवरेट जो बड़ा मानते हैं आप उनको, नहीं मेरी नजर से अगर मैं देखूं, मैं उसका जो है मैं बता दूं, उसका रीजन ऐलान किया हुआ है कि कैमरून ग्रीन मिडिल ऑर्डर पे खेले, वो तो कर दिया उन्होंने, वो ठीक है। हाँ, वो एक ही नहीं, वो मतलब सबसे वर्स्ट किया अगर तो इस बार ऑक्शन में आरसीबी ने किया, यश दयाल 5 करोड़ में लेके आए, ठीक है, 5 करोड़ में यश दयाल को लेके आ रहे हैं, 11 करोड़ में अलजारी को लेके आ रहे हैं, टॉम करन जो कि अनसोल्ड प्लेयर होते हैं उनको खरीद के ला रहे हैं, लॉकी फर्गसन और डेविड विली जिनको खरीदना था उनको रिलीज करके टॉम करन ला रहे हो। बैटिंग ऑर्डर तो बता दो, बैटिंग तो डन है ना, बैटिंग में तो कोई दो ही नहीं है, 11 बना लो ना, चलो सॉर्टेड है, तो फिर फाफ विराट, एक मिनट ओपन, ठीक है, फैफ विराट ओपन, रजत नंबर 3, 4 मैक्सवेल, 5 ग्रीन, एक मिनट, 4 कौन, मैक्सवेल, वाओ, 5 ग्रीन, बैटिंग जितनी वाओ, बॉलिंग उतनी ग्रीन, 6, 5 बाय द वे मुझे लगता है कि ये जो आईपीएल होगा ना, ये विराट का आईपीएल होगा, फॉर 2 रीजंस, नहीं उनका आईपीएल तो हो जाता है, वो खेलते भी अच्छा है, अलग तरह का आईपीएल, नहीं प्रॉब्लम यार, बॉलिंग लाइनअप अगर आपके पास नहीं होगा तो आईपीएल आपका नहीं हो सकता, आई थिंक टीम का, ये जो बातें चल रही है, खबरें चल रही है T20 वर्ल्ड कप को लेके, तो अगर उनको ये कहा गया कि सॉरी यार आपकी जगह नहीं है तो फिर वो खूंखार मूड में होंगे, अगर उनको ये कहा गया यार देखते हैं आईपीएल कैसा जाता है, वो भी खूंखार मूड में, बीस्ट मोड, क्या कहते हो आप, बीस्ट मोड, 5 हो गई है, हाँ 1, 2, 3, 4, 5 बता दिया, फैफ विराट रजत मैक्सवेल ग्रीन, छठवां नंबर डीके नहीं रख रहा हूं मैं, डीके को कम बॉल दे दिए, वो कम बॉल ही उनको सूट करती है, ठीक है, तो डीके 7 में है मेरे, छठवें नंबर पे मैं वैसे मनोज भंडारे को खिलाना चाहता हूँ, एक बैट्समैन चाहिए आपको, अनुज रावत, नहीं अनुज रावत नहीं है, क्यों यार, नहीं नहीं वो खिलाएंगे, वो अपनी बात अलग है, मैं वहां पे श्रेयस को रखूंगा या लोमरोर को रखूंगा, अनुज रावत मेरे उसमें, उन्होंने खिलानी आप वो बताइए ना, रियलिस्टिक 11 पहली 11 में नहीं होंगे भंडारे, तो श्रेयस और लोमरोर भी तो है, लोमरोर खेल सकते हैं, श्रेयस भंडारे नहीं खेलेंगे, पहले श्रेयस प्रभु देसाई भी है, लोमरोर भी, नहीं वो नहीं, आई थिंक लोमरोर स्लैश अनुज रावत, ठीक है, फिर डीके आ जाएंगे 7वें नंबर पे, अब चूंकि हमारे पास स्पिनर का ऑप्शन कुछ है नहीं इतना अच्छा, तो हम जाएंगे कर्ण शर्मा के साथ, इतना अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, फिर विजय कुमार विशक, सिराज और टॉपली है जिनको मैंने स्टार्ट में रखा है, विजय सिराज, लॉकी फर्गसन नहीं जाओगे अलजारी जोसेफ, लॉकी नहीं 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 नया बॉल डालना, तो कौन सा, टॉपली, टॉपली और एक और, नहीं एक ही बॉलर, एक बॉलर रह गया ना, एक इंपैक्ट डालो ना, एक बारवा एक बोलर तो चाहिए ना, अब वो तो आकाशदीप है, इस पर सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, यार एक बताओ ना यार, नहीं फास्ट बोलर चाहिए तो आकाश, अब भाई बाकियों में तो 12 चुने, इसमें भी 12 चुन लो ना, अरे यश दयाल पे भी 5 करोड़ खर्च करे हैं, वो तो गलती करी है यार, दिल भाई क्या पता क्या है यार, अलजारी जो को तो नहीं रखा होगा ना, नहीं रखा, तो आपके फॉरेन प्लेयर हैं एक फाफ, मैक्सवेल ग्रीन और रीस टॉपले, बल्कि टॉपले से पहले अलजारी जोसेफ खेल जाएंगे, नहीं वो खेल जाएंगे बट मतलब ये नहीं रखेंगे ना, ये तो अपनी टीम बना रही, किसी और लीग में खिलवाएंगे, एक बॉलर बता दो मुझे,
पाटीदार मैक्सवेल ग्रीन लोमरो और अनुज पटिकल कहां से है पाटीदार पाटीदार डीके लोमरो और अनुज में से एक डीके करण विजय सिराज सिराज टोपली और आकाशदीप और ये टीम बहुत मुश्किल है कि प्लेऑफ में चली जाए ये भी बता दूं पिछली बार कितने नंबर थे चार नंबर ये टीम बहुत मुश्किल है कि प्लेऑफ में चली जाए आपके प्रतिद्वंदी आ गए चार नंबर दिए थे एग्री विद यू दिस टाइम मो बोबाट और एंटी फ्लावर वही है ना बहुत अच्छा किया आपने बहुत अच्छा किया ऑक्शन में लूट लिया ये कितना 250 रन बनाने पड़वाने वाली टीम है नहीं नहीं 400 चिन्ना स्वामी 400 बनवा सकती है अच्छा मुंबई यस जाल एक ओवर में दे देंगे यार ऐसा ना बोला करो आपको प्लेयर सारे देखते हैं सच है ये अच्छा ये जो रिटेन प्लेयर है इनका क्या करना है भंडागे हो गए हिमांशु शर्मा हो गए राजन कुमार है ये रिटेन क्यों किए गए हैं यार रिटेन अब इनका इस्तेमाल किस तरीके वो अलग मैनेजमेंट नहीं किया था ये अलग मैनेजमेंट राहुल भाई मुंबई इंडियंस आप बताइए क्या लग रहा है मुंबई की डिस्कस करनी है फिर भी तिलक बच्चा भी बता देगा मुंबई तो ऐसे बन जाएगी छह तक डिसाइडेड है सबको पता है छह में टीम डेविड आएंगे उसके बाद आपके साथ ठीक है यार टीम ऐसे रहे ना एक एक करके बोलो ना यार कौन ओपन कर रहा है रोहित ईशान साथ में ईशान किशन तीन पे सूर्या स्काई चार पे हार्दिक मान लेते हैं नहीं नहीं चार तिलक 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 करते थे पांच पे तिलक नहीं चार तिलक पांच पे हार्दिक उसके बाद आपके बॉलर देखो तीन हो गए ना फास्ट बॉलर क्या क्या रखे बॉलर फास्ट बैरेंडॉफ और कोटजी और आपके दो स्पिनर की जगह आकाश मडवाल तो ये बोल्ड बट कैसे नया बॉल डालेंगे पांच फास्ट बॉलर खेलेंगे अब बट इनके पास स्पिनर एक ही है ना पीयूष कुमार कार्तिक अरे दो श्रीलंका के साथ जाएंगे आप अंशुल कंबोज को नहीं खिलाएंगे अंशुल कंबोज अरे मधु शंकर लिया इन्होंने नुवान तुषारा अरे भैया पांच थोड़ा खिला देंगे विदेशी नहीं खिलाते हैं देखो विदेशी उनका एक हुआ डेविड कुमार कार्तिक भी तो खेलेंगे कोर्ट से खेलेंगे तो दो फॉरेन प्लेयर हुए अभी ठीक है आपकी टीम है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दो फॉरेनर भी खिला सकते हो चाहो तो मतलब 14 प्लेयर चुन सकते हो इनके 13 तब भी मतलब ऐसे नहीं आप बताओ आपने मधुशंका तो यार पिछले साल उसने यार खब्बा फास्ट चला था नहीं वो भी है अगर उनका अच्छा नहीं आता सीजन तो दिलशान मधुशंका बैठे आपके और पास इसमें ये भी है ना धीरज भाई आपको इनमें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए नई बॉल तो आपके हार्दिक भी आके डाल देंगे बुमराह है आपके नई बॉल से तो हार्दिक भी डाल देंगे चलो एक एक और आपके पास बॉलिंग की जगह खाली है क्या वो आकाश मधवाल है आकाश मधवाल पीयूष चावला एक वाइड वाइड स्पिनर आपके पास नहीं कार्तिक कुमार कार्तिक के खेलेंगे पीयूष तो वो होते हैं ना पीयूष या कुमार कार्तिक में से अरे मैं समझ गया ना पीयूष और निहाल विडेरा बट एक बॉलर तो चाहिए आपको तो नहीं कुमार कार्तिक जाएंगे स्पिन में तो श्रेयस गोपाल भी लिया है आपने नहीं नहीं कुमार कार्तिक है कुमार कार्तिक मतलब श्रेयस गोपाल भी कहने को स्पिनर तो है ही नहीं पर अभी कुमार कार्तिक के साथ जाएंगे नहीं नहीं मुंबई ने टीम बनाई है देखो जबरदस्त रोहित शर्मा ईशान किशन सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या टिम डेविड निहाल वडेरा मतलब हु अल्टरनेट्स विद पीयूष चावला बैटिंग इंपैक्ट फिर कुमार कार्तिक है आप 11 में रख रहे हो कोइटजे रख रहे हो बुमराह रख रहे हो पीयूष आ गए आपकी बॉलिंग और बैरेंडॉफ और मधुशंका पे सर हसरंगा की ट्रिक मिस कर गई है एक हसरंगा आ जाते हैं तो टीम अलग ही लगती है ऑन पेपर तो अभी आपके पास है वैसे एक फॉरेन प्लेयर आप बॉलर पर आपके पास स्पिनर नहीं है ना कोई 1 करोड़ बचे हैं ऐसे ट्रेड कर ले वैसे इनके पास एक और प्लेयर है मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी अफगानिस्तान को फिनिश कर देते हैं तो क्यों यहाँ पर तो आप हर चीज को सोचो कहाँ करवा रहे हो ऐसा बॉलर तो नबी जब भी ठीक है अरे बॉलर कौन सी यार अगर मेरे को बॉलिंग करवाने के लिए दीपक क्या हो गया रोहित ही कर ले देखो इसमें आकाश मधवाल बाहर बैठे
कहाँ बाहर बैठे खेलेंगे वो, तो फिर कौन बाहर बैठेगा, नहीं खेल पाएंगे। मडवाल के साथ ही हो सकता है इम्पैक्ट हो जाए ये नेहाल वडेरा। तो भाई स्पिनर यार आपका एक पीयूष चावला है, एक कुमार कार्तिक, स्पिनर नहीं आपके पास कोई, बहुत अच्छी टीम है स्पिनर नहीं। कुमार कार्तिक बड़े अंडर रेटेड है, बात उनकी इतनी होती नहीं है, तो खिलाना पड़ेगा ना वही है, आई थिंक दे वर स्मार्ट, दे न्यू व्हाट दे वांटेड एंड मुंबई वर लकी कि कई और टीमों ने ना कुल्हाड़ी पड़ी थी उसी पे जाके पैर रख दिया। कोविड से आपको तीनों फेजेस खेले होंगे, बुमराह तीनों फेजेस, इवन आकाश मंडवाल। चलो जी वेरी गुड, तीन फेज अब रह गए दो टीमें, गुजरात पर आते हैं, गुजरात टाइटन, पहले राजस्थान, आइए राजस्थान, पहले राजस्थान पे आते हैं। आर आर बताइए रे, आओ जी राजस्थान का कौन है चीफ सिलेक्टर, मनोज डिमरी या राहुल रावत? राहुल भाई शुरू करेंगे हम, चलो ओनर से इनका तो सॉर्टेड है, बताओ ना जॉस बटलर, मतलब गगन अच्छा चलिए ठीक है, क्या है नंबर चार किसको खिलाना है, क्या करना है, क्या नंबर चार अश्विन आएंगे? संजू संजू बाबा पिछले सीजन तक इनके नंबर चार खेल रहे थे, अब कौन खेलेगा, शुरू रियान पराग से भी किया था, पिछले सीजन नंबर चार पराग से किया, अब बताओ चार कौन है। वैसे अगर रियान पराग को इंडिया खिलाना चाहते हैं ना राजस्थान रॉयल्स वाले लोग, उनको ऊपर तीन नंबर चार नंबर ही बैटिंग करानी चाहिए, राजस्थान ने चार खिलाया भी है पहले भी, डिसअपॉइंट किया है उन्होंने तो सब कुछ, हाँ तो आई थिंक हो सकता है फिर से चार उन्हीं के साथ ही वहां पर जाएंगे, ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि आप जो पॉवेल भी लाए हो या हेटमायर है वो पांच छह के ही प्लेयर्स हैं, उस तरीके से ही आप देखोगे, इवन अभी इनको पांच छह भी देखना पड़ेगा इनके ओवर से। एक मिनट आपका हो गया जायसवाल बटलर संजू और फिर कह रहे हो चार नंबर पराग, आई शो डबल शो यस पांचवा, वुड यू वांट टू कंसीडर दैट, नो नो रीकंसीडर, पांच हेटमायर आ गए, हेटमायर या पॉवेल, अब शायद हो सकता है पॉवेल अच्छे, नहीं नहीं हेटमायर पॉवेल है पहले, इसको भी देखना मतलब हो सकता है वो शुरुआत हेटमायर से करें, हेटमायर के साथ ही जाएं, ये भी देखना पड़ेगा हेटमायर जैसे आखिरी बार देखा कब था, बारबाडोस रॉयल्स के कैप्टन है वो पॉवेल उनके, मैंने हेटमायर यार हेटमायर आज T20 से ड्रॉप हो गए वेस्टइंडीज की टीम, वेस्टइंडीज डजंट मैटर मान, पिंक बॉल करके आ जाएंगे, नहीं वो ठीक है वो वनडे भी खेले, ना वनडे में रन बने ना T20 में रन बने, पॉवेल रन बना रहे हैं यार अभी, और पॉवेल बहुत ही जबरदस्त फील्डर, और जरूरत पड़ गई तो एक आधा और बैटिंग, एक बैट्समैन और बताओ, ध्रुव जुरेल यार, आई एम सॉरी पार्डन मी, ध्रुव जुरेल इनकी टीम में थे, हाँ तो उनका नाम उसमें ऑक्शन लिस्ट में आज कैसे आया था, कहाँ नहीं ध्रुव जुरेल का, ध्रुव सॉरी ध्रुव सॉरी पिछले साल जुरेल ने तो चहल के ये होते ना, चहल के साथ इंपैक्ट प्लेयर होते थे। चलो छह अब उसका डाल दो आप, एक बैट्समैन चाहिए होगा ना, ऑलराउंडर अश्विन दुबे डाल दो, इंपैक्ट प्लेयर किसी को भी डाल सकते, नहीं आपको एक बैट्समैन और चाहिए, शुभम दुबे, इंपैक्ट शुभम दुबे को डाल दो, हैव यू सीन हिम, लेफ्टी है नीचे बैटिंग करते हैं, साढ़े पांच कितने, छह करोड़ में लिए, पांच अस्सी में लिया ना विदर्भ वाले, आपके पास पांच अस्सी, नीचे आबिद मुश्ताक भी बैठा है, मतलब आई एम जस्ट सजेस्टिंग, आबिद मुश्ताक बॉल भी डालता है, आई एम जस्ट सजेस्टिंग, लेफ्ट आर्म स्पिन कर दो, चलो शुभम डाल दिया, बात दिल्ली में हो रही थी तो अब अश्विन ने देखा है, अब शुभम अश्विन नहीं फिर अश्विन अश्विन हाँ हाँ अश्विन तो खेलेंगे, अश्विन अश्विन चहल ट्रेंट बोल्ट, अब जो मन करे आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा, हंस क्यों रहे हो यार, ये है ना लेफ्ट, आपके फॉरेन प्लेयर्स में एक अभी भी है, बर्गर को खिला दो, एक एक गुंजाइश है अभी, क्या बात कर रहे हो आप, तो बर्गर ही ऑप्शन है, और जॉस खेले हैं, हेटमायर खेले हैं और ट्रेंट बोल्ट, बर्गर डालो या तो पॉवेल हेटमायर दोनों को खिला दो, राजस्थान आप एक और काम कर सकते हो, रोमन पावल पावल को और हटमायर दोनों को खिला के शुभम बार हो जाए, आपके पास इंडियन फास्ट बॉलर कौन है, इंडियन फास्ट बॉलर अरे एडम जाम्पा नहीं खेलेंगे,
वो डिपेंडिंग इंडियन फास्ट बॉलर कितने चाहिए, आवेश है, प्रसिद्ध कृष्णा है, और क्या चाहिए, नवदीप सैनी है, कुलदीप सेन है, इतने बॉलर है, क्या चाहिए यार, सैंडी 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 बॉय, नवदीप सैनी भी है ना, क्या कमी है इस बॉलिंग लाइन में, सैंडी बॉय यार, इसलिए सबसे बड़ी बात देखो, चाहे आप लोग जो मर्जी कह लो, आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा आज की डेट में इंडिया खेल रहे हैं, एक और बॉलर अभी भी खेल सकता है, इंडिया की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री के नंबर वन प्रोडक्ट से जगह खाली है, इंडिया खेल रहे हैं आपके फॉरेन प्लेयर, आई एम गोइंग विद यू, हेटमायर एंड रॉबिन पावल, मतलब थर थर कांपेंगे लोग जब सामने आएंगे, ठीक है, एक अभी बॉलर और चाहिए, और बॉलिंग भी कांप रही होगी अपनी ही बॉलिंग, हमें अब सुनिए, जयसवाल, बटलर, संजू तो पावल चार खेल लेंगे, फिर पावल नीचे ही खेलते हैं ना, खेल पाएंगे सर पावल, आप इतना भी नहीं कांप रहा, आप माना लोगे, हेडमायर भी चार नहीं खेलेंगे, हेडमायर खेल, हेडमायर पीछे कुछ कुछ मैचेस में, ये रियान पराग को चार नहीं, चार नंबर इनको बीच में डालना, तो रियान चार होगा, हेडमायर पांच होगा, पावल छह होगा, रियान पराग यहाँ सात थोड़ी खेलेंगे, रियान पराग, रियान पराग को आप क्यों नहीं खेलेंगे इस फ्रेंचाइजी में, 100 मैच होने वाले, यही तो है ना, उन्होंने खिलाना है उनको, हाँ तो चार ही खेलेंगे, प्लेइंग 11 से बाहर, वो स्टार्ट करने के लिए चार खेलेंगे, ये परम सत्य है, अरे रियान पराग इस बारी 100 मैच के करीब है, वो रियान पराग इस बारी धूम मचा देंगे, एक बॉलर रह गया और दो स्पिनर आ गए आपके पास, अश्विन चहल, आप प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, प्रसिद्ध फ्लोटर को, आवेश या प्रसिद्ध, दोनों खेलेंगे, सैंडी बार, संदीप शर्मा, संदीप शर्मा भी है, पावर प्ले में तो वही विकेट नहीं, तो आवेश और प्रसिद्ध है ना आपके पास यार, अब मैं क्या बोलूं, खिला रहे हो किसी को भी खिला लो, है राहुल भाई, लेकिन क्या बोलूं, पर किसी को भी खिला लो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, रॉयल्स का कुछ नहीं, किसको, आवेश को या प्रसिद्ध, सर किसी को, रॉयल्स का कुछ नहीं, नाम एक देना, प्रसिद्ध, आवेश प्रसिद्ध में से प्रसिद्ध, तो आपकी टीम बन गई राजस्थान रॉयल्स, इवन मैं तो इस, मैं मेरा वो है, मैं पॉवेल हेडमायर दोनों को नहीं खाऊंगा, मैं बर्गर भाई साहब के साथ जाऊंगा भाई, बस ऐसे कर लेना, बर्गर 220 बना के पढ़वाएंगे 220, अगर बर्गर भाई साहब नहीं खेले, बॉलिंग में कुछ आपके है ही नहीं वहां पर, देखो बनो ऐसा है कि चाहे वही बात है ना, प्रसिद्ध कृष्ण और यार, देखो हेडमायर, पॉवेल, ध्रुव जुरेल और इवन रियान पराग, चारों मतलब थोड़ा सा वो है कि किस दिन लॉटरी निकल रही है किसकी, तो आपको इतनी जरूरत भी नहीं है, आपको इनमें से एक कम करके बॉलिंग ऐड कर दो, और इंपैक्ट पीरियड बैटर होगा आपके, हमें वो इसीलिए कह रहा हूँ, इंपैक्ट पीरियड बैटर बाद में डाल देना अंदर, चाहे वो शुभम दुबे, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया इन्होंने, इन्होंने क्या खरीदे आज, रॉबिन पॉवेल और शुभम दुबे, जिन पे पैसे लगाए हैं, बाकी तो वही हुए ना कि मतलब आपको मिल गए 20 लाख 50 लाख, बर्गर और क्या नाम है इनका, इनमें से एक रॉबिन पॉवेल, हेडमायर में से एक, फिर आपको ओवरसीज तीन रखने पड़ेंगे ना, अगर आपको द मोमेंट आप इस तरीके तो से करते हो, दोनों को बटलर को खेलेंगे ही खेलेंगे ना, और बोल्ट भी खेलेंगे ही खेलेंगे, नहीं, नहीं, इन दोनों को हाँ तीन ही खिलाओ फॉरेन प्लेयर्स, वो बहुत ज्यादा उतना उसकी जरूरत, हाँ उनका ऐसा कुछ है ना कि आप बोलोगे कि इम्पैक्ट में किस उस तरीके से निकलेगा, तो ये भाई राजस्थान रॉयल्स की प्रॉब्लम्स वहीं पर खड़ी हैं, इनके पास अभी भी डेथ बॉलिंग नहीं है, अभी भी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, इवन अभी भी वो 4-5-6 पर जो एक सॉलिडिटी नाम की चीज चाहिए थी वो नहीं है, तो 3 सालों से 4 सालों से वही कर रहे हैं, इसलिए मैं आया चुपचाप बैठा ऑक्शन में, ऑक्शन खत्म हुआ चुपचाप बैठा हूँ, देखो एक सीजन ये फाइनल खेले थे आपको याद होगा, लास्ट टू लास्ट बिना इम्पैक्ट प्लेयर के, और तब इनकी टीम में 7 नंबर अश्विन खेलते थे, वो टीम अगर जीत जाती उसको मैं ग्रेटेस्ट का खिताब दे देता, उसका एक रीजन ये भी था कि हेटमायर का वो जो सीजन जो फॉर्म, और फिर बटलर, बटलर जिस तरीके से खेल, इवन यूजी बीच में, यूजी का भी उस टाइम था, यूजी का तो चलो वो कंसिस्टेंट विकेट रहता ही है, बट ये है कि पिछला सीजन बटलर का घुसा, इनका पूरा राजस्थान, बटलर भी आज रात 1:30 बजे कौन से बटलर आते हैं मुझे पता नहीं, वो भी देखना पड़ेगा, 1:30 बजे उनके लिए 1:30 बजे का वेट करना पड़ेगा, गुजरात बेस्ट टीम जिस भी प्लेयर को चाहते खरीद सकते, जिस भी प्लेयर को चाहते खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं किसके लिए पैसे बचाए, और इनकी वही प्लेइंग 11 कुछ ऐसे एड ऑन नहीं हुआ है नया, लेकिन दिखाई एक बार, शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा यहाँ पर, मतलब केन विलियमसन भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि साहा के साथ ही जाएंगे, या मैथ्यू वेड ओपन कर सकते हैं, 3 नंबर पे साई सुदर्शन, इनका स्लॉट पक्का है, 4 पर, अब 4 के लिए इनको एक्चुअली में लेना चाहिए था एक, जहाँ पर इन्होंने नहीं लिया है क्योंकि हार्दिक खेलते थे, अब वो है नहीं, तो विजय शंकर खेले हुए हैं इनके यहाँ पर, तो विजय शंकर 4 पर, डेविड मिलर 5, अग्रीमेंट है
राहुल तेवतिया नहीं, छह पर राहुल तेवतिया। अब एक काम नहीं कर सकते, मिलर को चार खिला के आप शाहरुख को पांच खिला दो, फिर नीचे छह पे आपके राहुल तेवतिया हो जाएंगे, आपको दो सीजन तीन सीजन से ऐसी आप गिल और शाह से ओपन कराइए, केन विलियमसन तीन नंबर खेल, मिलर को पांच पे साई सुंदर, ऐसी चीज छेड़ रहे हो जो जिसको कोई मतलब ही नहीं है छेड़ने का। साई को नीचे लाओगे क्या? लेकिन यार फिर बॉल इतनी बैटिंग की तैयारी कर दी है, चार पे विजय, अब वही है चार मिनट छह पे तेवतिया, फिर वो नहीं खेल रहे शाहरुख खान यार, फिर कंपटीशन में हार्दिक ही नहीं होंगे, वही तो थे मेरे, अगर केन विलियमसन खेलेंगे तो शाह नहीं चल लेते तो एक बात अलग हो जाती है, वही कह रहा हूं, बट आपने रिटेन किया उनको ना, उनको खिलाओगे तो सही, केन विलियमसन ओपन करेंगे आप, मैथ्यू वेट से नीचे बैटिंग कराओगे, इनकी वर्ल्ड टू थ्री नीचे बैटिंग करेंगे, छह नंबर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते ही है ना, विकेट कीपर होंगे ना फिर, मैथ्यू वेट शाह नहीं होंगे, दो तो बट फिर आपके ओवरसीज क्या खेलेंगे, ओवरसीज मैथ्यू वेड हो गए, मिलर ऑलरेडी है, एक फास्ट बॉलर नहीं खिलाओगे आप बाहर का, जो जोशुआ लिटिल ने खेला है, जोशुआ लिटिल है भाई, विलियमसन साई और शुभमन तीनों एक जैसे बैटर हो जाते हैं 1-2-3 में, और मिलर पांच फिक्स है भाई, मैच विनर उससे बड़ा पांच पे जो फॉर्म में वो खेल रहा है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का 100 इवन जो 50 ओवर में उसने मारा है, उस लेवल की बैटिंग ही नहीं है कहीं, कुछ मैचेस जो उसने जिताए हैं गुजरात को उस पोजीशन से, वहां पर आपको पांच को चार पर ठीक है, वो शाहरुख खान क्या सोच रहे हो, चार कहां से खेल लेंगे शाहरुख, पिछले सीजन में खेले थे चार नंबर, कितने मैच यार, वैसे तो उन्होंने साई सुदर्शन को भी सारे मैचेस नहीं दिए, साई की बैटिंग अलग लेवल की है, साई साई सबके हैं, नहीं नहीं पर एक बात बताओ ना, चार में विजय शंकर, और पिछली बार भी कुछ ऐसे तो नहीं कि आप चार बहुत अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, चार तो आपके हार्दिक पांड्या, अच्छा गुजरात आपकी टीम यार, हार्दिक ने हार्दिक मुझे ये बता, देखो हार्दिक ने भी बैटिंग में क्या ऐसा दिया था, एंकर टाइप रोल खेलते थे उनके फॉरेन प्लेयर्स, कौन से हार्दिक के साथ मिलर खेलेंगे, तो रहता है ना राशिद खेलेंगे, राशिद मिलर नूर को खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, नहीं जोशुआ लिटिल खेलेंगे, नूर सेकंड हाफ में आते हैं, नूर सेकंड हाफ में आएंगे, जब आपको धीरे धीरे स्पिन, हां जोश लिटिल खेलेंगे, तीन हो गए, चौथा कौन है, मतलब स्पेंसर जॉनसन नहीं खेलेंगे, चौथा पूछ रहा हूं, 10 करोड़ में लिया है केन विलियमसन या मैथ्यू वेड, मैथ्यू वेड कहां होंगे, मतलब आप ऋतुपर्ण साहब को खिलाओगे 14 मैचेस, वही बात है ना, 14 मैच वाली बात करो ना, ऋतुपर्ण साहब 14 मैच खेलेंगे, विजय शंकर 14 मैच खेलेंगे, अरे भाई ऋतुपर्ण साहब तो विकेट कीपर है, वही कह रहा हूँ कि उनके साथ आप 14 मैच सोच रहे हो, रिद्धिमान मैं उनसे पूछ रहा हूँ आरसीबी वालों से, वो बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं वीक लगी है ऊपर से, और सुमन का भी वही है फिर टाइम लेने वाला, सुमन का कैप्टेंसी भी कर रहे हैं सर, प्रेशर भी लेंगे, एक बात बताओ इस टीम को नीचे अभिषेक मनोहर है या फिर ये ओपनर अभिनव मनोहर है, डेविड मिलर है, राशिद खान है, टीम को नीचे जो शाहरुख, इन्होंने आपके ओपनर्स कौन है इस टीम के, सचिन रविंदर ले सकते थे, शुभमन गिल के साथ आज बताने, 14 में मिचेल नहीं ले सकते, कौन है ओपनर, कौन सा शुभमन गिल और आपके और मैथ्यू वेड ओपन इंडिया में नहीं चलेगा, बॉलिंग में इनके दो ओवरसीज तो कंफर्म है भाई, आपके राशिद खान तो फर्स्ट चॉइस है, आपके जोशुआ लिटिल हम मान के चल रहे हैं, तो गरीबों के मिचेल स्टार्क का क्या करोगे, 10 करोड़ गिनेंगे वो अभी तो कभी देख लेंगे सर, अभी तो नहीं। भाई उनको 10 करोड़ दिए आपने, वही ना अमाउंट कुछ तो सोच समझ के दिए होंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मुझे लगता है इतने में तो फिर आप डैरिल मिचेल के लिए जाते हैं, अगर इतने आप थॉट्स में क्लियर थे तो, या फिर आप ओपन के लिए लेते रचिन चार और नीचे फिर खिला देते जॉर्ज, ज्यादा पैसे होते ना, मैं लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, कुछ नहीं ले पाया, देखते रह गए, अच्छा ढूंढते रह गए, अच्छा दे, मैं बोल रहा हूँ गुजरात से आज मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है कि मिचेल स्टार्क इनके साथ नहीं, भाई गुजरात ने वही किया है जो राजस्थान ने किया है, आपकी टीम ऑक्शन से पहले जहाँ खड़ी थी अभी भी वहीं पर खड़ी है, कि 1-2-3 यार इतना करीब आ गए, मैं वही कह रहा हूँ, राजस्थान का एक्सक्यूज ये भी हो सकता है, चलिए पर्स नहीं था इतना तो हम जो भी रहा, इनके पास तो अच्छा खासा पर्स था, तो लेकर जा तो रहे 7 करोड़ 85 लाख आपस में बांट देना, 7 करोड़ 85 लाख बांटना, आपने अपनी क्या करिए, खली खड़ी वहीं पर है ना 11 जो पहले थी, कि यार साहब कमजोर हो गई है, मैं वही कह रहा हूं हार्दिक चले गए, वही बात है, आपने क्या मजबूती लाए, आपको इनकी बैटिंग में कमजोरियां दिख रही हैं सबको, बट राहुल भाई फिर वही है ना कि गुजरात को आप पिछले दो सीजन में भी देखोगे ना तो ऐसी ही टीम दिखती थी, मैं मानता हूँ, देखो हार्दिक था ना, अभी आपका एक ओवरसीज स्लॉट बच रहा है, अब अगर आप नंबर चार पर बोलोगे उमर जाई या केन विलियमसन, अभी उमर जाई का भी ऐसा नहीं है कि T20 में आप बोलो कि यार कि मतलब ऐसी नेक्स्ट लेवल चीज और बॉलिंग भी हम करवाएंगे, वो भी नहीं है उनके साथ भी चीज, बट हाँ
आप देख सकते हो कि भाई को डाउन द ग्राउंड स्पिनर्स को मारते हैं सब कुछ। आप ठीक है, आपकी बैटिंग ऐसी कोई इंटिमिडेशन फैक्टर नहीं है इस बैटिंग में, इसीलिए मैं कह रहा था आप अपने 12 ओवर कर देते सेफ। स्टार्क, शमी, राशिद स्टार्क और मिचेल स्टार्क, और आप तो यार यू वर सो क्लोज। आपने बेसिकली आपने देखा कि कौन, इट वाज जस्ट कि पहले पलक कौन झपके, 25 लाख और डालने थे, 25 लाख और डालने थे। अरे मैं बोल रहा हूं 30 होते ना 30 में भी लेने चाहिए थे इनको, बचे हुए ना 7 करोड़ 85 लाख अभी भी। एग्जैक्टली क्या करना है उनका आप बताइए ना सर, क्या करना है इन 7 करोड़ 25 लाख का, 85 25 नहीं। आप ही बता रहे थे कि कोई ट्रांसफर हो सकती है। अरे भाड़ में गई, ट्रांसफर जो होनी थी वो चले गए, जिनकी होनी थी क्या पता। आप ये कौन देगा इसकी जवाबदेही, इनके पास इम्पैक्ट के लिए ऑप्शंस अच्छे हैं कि जी मनोहर चाहे आ जाएंगे, विजय शंकर चाहे आ जाएंगे, मतलब ये पर पैसा ये बता रहा है 7 करोड़, अगर ये कोई ट्रेड नहीं कर रही है तो अब क्या करेंगे। 7 करोड़ 85 लाख दे कुड़ है, आई थिंक एक बात बताऊं, 30 करोड़ में गुजरात को ना हम हर बार कहते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं, अरे सुन तो लो, ये ट्रेड, अब ये ट्रेड का मतलब नहीं है कि नॉट नेसेसरीली कि ट्रेड वो मतलब वैसा ही ट्रेड हो, बट आई थिंक इट कुड बी कुछ तो है। 7 करोड़ 85 लाख वो थोड़े अपने घर लेके जाना चाहेंगे। स्लॉट्स कितने अवेलेबल है? जीरो स्लॉट्स हो गया, सब ले रहे, सब ले, ट्रेड का ऑप्शन है, ऑप्शन ट्रेड ऑफ, मतलब स्पेंसर जॉनसन दे दे उनको, नहीं स्पेंसर जॉनसन केकेआर को, यार वो तो 10 बल्कि इनको भाई एक बात बताऊं, 2 प्लेयर देके आप एक भी ले सकते हो, आपको पता है ट्रेड में बहुत चीज, पर कौन छोड़ेगा भाई, वो तो आप सारी टीम हमने डिस्कस करी, इसमें ये नहीं है उसमें वो नहीं है, अपना जो है मजबूत वो भी दे दोगे, बुमराह ले ले तो। हाँ ऐसा थोड़ी कि लोग बोलेंगे आओ जी ले जाओ, जॉश इंग्लिश को ले लेते ना तो भी इनको बीच में इनका काम हो जाता, चाहे 4 खिलाना होता, ओपन कराना होता, कुछ भी, मैथ्यू को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंग्लिश को एज बैटर भी खिला सकते हो आप, जैसे फिल सॉल्ट जो कीपर है वो एज अ बैटर भी खेल सकता है, क्लासन एज अ बैटर खेल सकता है, फिलिप्स तो ऑलराउंडर ही बन गया है अब, तो काफी विकेट कीपिंग ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप एज प्योर बैटर भी खेलता है लाइनअप में, तो वो इनके लिए जॉश इंग्लिश की भी ऑप्शन थी वहां पर। ये आज आई एम श्योर हाइंडसाइट में अभी आप उनसे बात करेंगे ऑन मतलब रिकॉर्ड, अगर वो बोलेंगे कि हमारे अपनी टीम से पूरी खुशी है, ये है वो है, बट हाइंडसाइट में वो भी सोच रहे होंगे कि यार हमें ना मिचेल स्टार्क को लेना चाहिए था, वो तो 30 करोड़ तक ले सकते नहीं, ये तो मैं मानता हूं। गुजरात ना समहाउ आज बहुत अजीब से थे, मतलब दे शुड हैव डन बेटर। सर इनकी ऑक्शन की बाइज आज आप देखो, उमेश यादव जिस टीम के पास सबसे बड़ा पर्स है, उमेश यादव, उमर जाय, नो डाउट वर्ल्ड कप अच्छा गया, वनडे फॉर्मेट, और उमर जाय से बोलिंग नहीं कराओगे आप T20 में, शाहरुख खान भी दोस्त यारी में आए, मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान कनेक्शन, शाहरुख खान, सुशांत मिश्रा, मानव सुथार, कार्तिक त्यागी, स्पेंसर जॉनसन, रॉबिन मिंस, तो आपके पास जो बजट था वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि आपने क्या किया ऑक्शन में आगे नामों में। और दूसरा आपकी टीम की नीड, यार जिसके पास 38 करोड़ है वो राजस्थान की तरह 14 करोड़ वाली स्थिति पर अगर है कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम कहां से टारगेट करते बड़े प्लेयर्स, मतलब नहीं, बल्कि आप ये भी देखो ना कि आपने 30 करोड़ खर्च करके वो प्लेयर लिए हैं जो शायद 11 में फिट भी नहीं है। भाई आपने उमर जाय लिया, बात भी नहीं हुई उमर जाय की, आप प्लेइंग 11 में लोगे, उमर जाय लिया ना आपने, फिर क्या फायदा 30 करोड़ खर्च करके प्लेयर लें, किसी की भी गारंटी है जो खेलेगा, उमेश यादव 5.5 करोड़ कोई भी नहीं, मुंबई ने, चेन्नई ने, मुंबई और चेन्नई को छोड़, इवन यार जो भी देखो हैदराबाद ने जो भी किया ओवरसीज भर लिया, ये है वो है, मैं वही कह रहा हूँ उनके प्लेयरों में दम तो लग रहा है आपको देख के, यार ये डालेंगे तो थोड़ा ऑप्शन भी है ना उनके पास, आप एक्साइटेड रहोगे ना उनको मैचेस में देखने के लिए। सुनील वालिया जी कह रहे हैं मार्क माई वर्ड्स, कैमरन ग्रीन इस बार आरसीबी को आईपीएल जिता देगा, मुबारक। अगर सर वो 3 खिलाते वो जिताता, बेस्ट 5 में मुश्किल है। देखो अच्छी बताओ, बेस्ट बैटिंग उनके पास 2016 में भी थी, बेस्ट बैटिंग उनके पास बहुत पहले रही है, इस बार भी अच्छी बात है, बट आपके पास बॉलिंग नहीं होगी तो आप कहां से जीतोगे। ग्रीन पॉसिबिलिटी है कि आधे सीजन ग्रीन को फिर बैटिंग में चेंज करेंगे रोल, क्योंकि उसका जो 5 में इंपैक्ट होगा उससे बेटर होगा, बैटिंग से नहीं जीत सकते ना सर, हां 3 में इन पे उसका बेटर इंपैक्ट होगा, बट बात वो है ना बॉलिंग, सिराज बेचारा अकेला नीचे फंस जाएगा, हेजलवुड होता था, बैटिंग में कब इंजर्ड हो जाए पता नहीं, बैटिंग में ये 190-213 बना देंगे, अरे 250 बना देंगे, हां डिफेंड नहीं कर पाएंगे फिर, अब वैसे ही वो वाला वक्त आ गया जब 20 साल को रखा ही नहीं है टीम में अलजारी जोसफ, मैंने कहा टोपली से पहले वो खेलेगा, अरे 4 ओवर 50 खाए लास्ट T20 में, आपको पता है बैटिंग भी आती है उसको, तो बैटिंग वाले ही खिला दें सारे, बॉलिंग नहीं चाहिए,
किसकी बात कर रहे हैं? अलजारी जोशी, टॉम करन, बहुत बढ़िया। टॉम करन निकल लेते हैं बैटिंग से, जो प्लेयर अनसोल्ड जाता है वो प्लेयर सिडनी सिक्सर्स को जिताता है। ऐसे तो आप देखो मुंबई में कॉटजे भी हैं, वो भी बैटिंग कर लेंगे नीचे तो। पर वही है ना कि देखो आज आपको चॉइस में तो सबसे पहले कोइट्ज़े को ही उठाओगे ना, और क्या जो भाई केशव महाराज के ऊपर भेजते थे वर्ल्ड कप में, वो बैट्समैन ठीक है, वो रॉ के साथ हसरंगा और बॉलर चुनना है आपको, बैट्समैन थोड़ी चुनना है आप, अगर टॉम करन या फिर इनको यार इनसे बढ़िया तो आकाशदीप और हैं, बेशक और हैं जो डोमेस्टिक के जिनको बेचारों को अच्छा किया, जिनको आप उतना रिवॉर्ड नहीं करते हो, ये आपने वही आरसीबी की मेंटेलिटी में वो रिफ्लेक्ट हुआ है कि पैट कमिंस थोड़ी बैटिंग साथ में है, आपने और क्या लिया, अल्जारी जोसेफ बैटिंग साथ में है, टॉम करन भी अपने दोस्त यार भी लेके आए, जो इंडियन ऑप्शन भी आपने लिया यार उसमें भी बैटिंग है थोड़ी सी, एक और क्या नाम लिया आपने आज, पैट कमिंस उधर गए ना, पैट कमिंस के लिए भी आप गए थे, पैट कमिंस के लिए भी आप गए क्योंकि वही बैटिंग साथ में, फर्गसन आप खिलाओगे स्वप्निल और सौरभ चौहान, ये तो चलो बैटिंग फर्गसन उस स्टेट पे है कि भाई वो, हाँ तो बाकी तो अल्जारी जोसेफ है, यश जयाल है, अब तो टॉम करन है, टॉम करन भी वही की थोड़ी सी बैटिंग, फॉरेन प्लेयर की जगह कहाँ बनती है इनकी टीम, वही तो कह रहा हूँ आप जो आपने ओवरसीज आज बॉलर पिक खेल गए या गए जिनके पीछे उनके पास आप गए बैटिंग के साथ, दोस्ती यारी में है टॉम करन भी, स्पिनर भी नहीं जुटा पाए, हसरंगा बताओ एक स्पिनर, हैदराबाद के बेंच में बैठेंगे हसरंगा यार, हसरंगा 10 करोड़ 75 लाख से 1 करोड़ 25 पे आ गए और बेंच पर बैठेंगे, मतलब है ही नहीं स्पिनर इस टीम में यार, आप करण के हिमांशु शर्मा, करण शर्मा ऐसी बंद करेंगे क्या, चार पर उमर जाई के लिए काफी कुछ लोग कह रहे थे कि ठीक भी फिर भी चले, उमर जाई को भी खेलना तो आपके साथ दिक्कत वही रहेगी ना, ऐसा थोड़ी है एक को छोड़ना पड़ेगा यार, देखो ऐसा भी अपग्रेड नहीं ना कि आप बोल रहे कि नहीं हम सोच रहे थे कि विजय शंकर चार पर, नहीं जी अब उमर जाई ठीक है, वर्ल्ड कप अच्छा गया अगेन फॉर्मेट और ये डैरिल मिचेल को फिर भी आपने तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट पर अलग अलग सिचुएशन में देखा, देखो हार्दिक बंदे में भी कई साल लगे, हाँ तो ये सीधे नहीं बन जाएंगे आगे, उमर जाई आगे बन जाएगा या हो सकता है इससे बड़े विजय शंकर को बैक करो यार, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, आप हम वही है ना इंडियन प्लेयर को क्यों हमेशा अंडर एस्टिमेट करें कि वो तो नहीं कर सकता बट अफगानिस्तान के उमर जाई उनसे बहुत बेहतर कर देंगे, तो वो उनके भी देखना आप ओवरसीज पे कहीं ना कहीं कुछ, आप मैथ्यू वेड को फिनिशर खिला लेना आपको, हाँ, एक तो रोल मिल जाएगा नीचे ही खिलाऊंगा, और चाहे तो आप ऊपर एक अपना कीपर कम करके रिद्धिमान साह की जगह कोई भी आप यंग बैटर्स पर उस तरीके से जाओ, रॉबिन मिंस का क्या कीपिंग का है ऑप्शन, रॉबिन मिंस का कीपिंग ऑप्शन है मेरे ख्याल से शायद, तो ये थी टीमें, किसका लगा आपको राहुल सबसे बेटर, 3 करोड़ 60 लाख में लिया यार मुंबई है, ऑक्शन सबसे ऊपर मुंबई, सेकंड चेन्नई, मुंबई चेन्नई, हाँ रॉबिन मिंस भी कीपिंग के ऑप्शन है, हैदराबाद फाइन, मेरी टीम को भी जो चाहिए था उन्होंने ले लिया, उनको डोमेस्टिक प्लेयर चाहिए था पेसर और एक स्पिनर उन्होंने ले लिया, तीन फिलहाल ले जा रही है मुंबई चेन्नई हैदराबाद, क्या करोगे इस पे यार, पंजाब किंग्स टेंशन में अभी, आपको आपको मैच अभी वो देख रहे हैं, सारे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं कि अभी हमने टीम देखी ये चीजें कमी रह गई, नितिन जी का, नितिन खन्ना जी का एक मैसेज आया, हाँ एक मिनट पढ़ लो आपके लिए है ये, हाँ थोड़ा सा राहुल भाई सांस कर दो, नहीं नहीं वो लेट था, मतलब पता है मुझे वो, मैंने वो मुझे पता है वो, दैट वाज बाय मिस्टेक, हां तो वो कह रहे हैं ठीक कर दो, नहीं वो तो हो चुका है, मतलब तभी हो गया था, तो ये था जी, तो भी आया अभी चलें फिर क्योंकि मैच पर भी आना है वापस, सवाल है ले लो जल्दी से ले लो, कुमार अविनाश आपसे पूछने कि क्या रोहित, माइक रख लो ना यहां यहां पे आके, बेसिकली क्या था कुमार अविनाश क्या पूछ रहे हैं, रोहित किसी और टीम में नहीं जाएंगे यार, नहीं जाएंगे, चलो और है सवाल नहीं है, थैंक्स तो बोल दो यार सबका, आज यार अभी तो वापस आ रहे हैं, मैच खत्म हो गया आज यार, मतलब दिन भर यार बिल्कुल का तो मजा है, है? मजा तो सर किसी किसी को आया है, मजा यार सर को नहीं आया, मजा क्यों दे रहे भाई, हमें तो नहीं उतना मजा आया है सबके साथ सर, ये तो आज तो मजा आ गया, करवाइए ये 3 महीने के आईपीएल में भी हमें अपनी टीम को देखना है, तब मजा आएगा, तब मजा सबको नहीं आएगा ना, मजा मुंबई को छोड़ के सबको मजा आएगा, दिल्ली भी वहीं खड़ी है जहां से शुरू किया था,
अब ग्रेड आप देख ना ऑक्शन के बाद। हाँ। हमने कौन सा यार महेंद्र सिंह धोनी क्या सबसे बड़ी बात है, एक सिंपल सी बात है, एमआई का पिछला सीजन ऐसा था, प्लेयर्स भी उठाओ लेकिन इस सीजन जो प्लेयर्स पिक किए ऐसे दिख रहे, आप प्लेयर्स ऐसे जब जब टीम आपकी ऐसे जाते दिख, प्लेयर्स भी ऐसे ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो आप तो दिख जाती है किसी की भी स्मार्ट बाई तो आज नहीं रही कुछ है नहीं इस ऑक्शन में, हर टीम वही खड़ी है जहाँ पहले थी। आप ये देखो ना जिस टीम ने न्यू बैज लिया उसमें क्या, ये भी दिखाता है आज, ये भी बताता है राहुल भाई जो आप कह रहे थे कि आप मेगा ऑक्शन कैसे करवाओगे, अब जो टीम है वो बोलेगी भाई ये हालत देखते हो मेरी ऑक्शन में क्या होती है, हर एक आध नाम है जो अलग अलग रोल्स में है, टीम बनाने लायक मैटर ही नहीं है भाई, और फ्रेंचाइजी को पता ही नहीं कि रचिन रविंद्र के लिए बोली लगाते हैं, हसरंगा के लिए बोली, कोटजे के लिए, कोटजे के लिए हसरंगा, मधुशंका भी चलो जितने में मिले 4-4.5 करोड़ तो नहीं सोच रहे थे ना, फिर जिनको देना नहीं है लेकिन अब आपको देना है, फिर वही आईपीएल बड़े नाम ये वो, प्रिटोरियस कहाँ थे लिस्ट में, किसी ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, डेविड वीजा कहाँ है, मनीष शंकर मुरा सिंह कहाँ है, रवि तेजा कहाँ है, कहाँ है रवि तेजा, गायब है, सबसे बड़ी चीज की इन प्लेयर्स के लिए ऐसी बोली भी नहीं जाने वाली थी, कुछ तो लेते हैं यार, ये जिन्होंने अपने पैसे बचाए हुए थे और जिनके पास स्लॉट्स ही भाग गए, इन डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी रिवॉर्ड करते हैं यार कम से कम, हां ब्रेसवेल भी एटलीस्ट हो जाते हैं आपके लिए, डोमेस्टिक प्लेयर्स को आप फिर वही है कि उनके क्या था यार पिछले बार सूर्यकुमार यादव, दिल्ली के पास आज भी वही इंडियन जो कहते हो ना प्लेयर मिडिल ऑर्डर में अनकैप्ड इंडियन प्लेयर उन्हीं के भरोसे है आज भी, ऋषभ पंत भी आ जाएंगे ऋषभ पंत आने से थोड़ी कि आते ही आपको मैच मिल जाएंगे चार जीते हुए। चलिए अभी फिर इजाजत लेते हैं, अगले लाइव में आएंगे मैच के रिजल्ट पर और फिर सारी अपडेट, और जो आपके सवाल थे आईपीएल ऑक्शन रिलेटेड भी उन सवालों को भी लेंगे, तो अभी के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से प्यार दिया आज दिन भर, इस वीडियो को भी लाइक करें शेयर करें क्योंकि इसमें सारी टीम्स का आपको अब एक तरीके से पूरा जो है सब कुछ मिल जाएगा, क्या है क्या नहीं है कैसे टीम बनेगी।